सो ही गाइस, मैं हूं एलेक्स एंड वेलकम बैक टू पोकेबॉल 5। एंड आज हम खेलने वाले पोकेमॉन शॉर्ट को 100 आवर्स के लिए। बाय द वे, इस गेम के अंदर तुम अपने पोकेमॉन को डायनेमैक्स एंड जिगंटा मैक्स कर सकते हो। एंड इस गेम के अंदर भाई एक चैंपियन है जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया, तो इसको हमें हराना है। एंड उसी में शायद जिमनेटस को हरा के हमें जिम बैलेंस को भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड क्या होता है बताए, पूरे गाला रीजन पे एक डार्क डे हो जाता है जहाँ पर सारे पोकेमॉन डायनेमिक्स हो जाते हैं। एंड उस चीज से हमें गाला रीजन को बचाना है एक सुपर हीरो की तरह। बाय द वे, गेम में काफी मजा आने वाला है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ इस वीडियो के 3K लाइक को कंप्लीट कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं अपना कैरेक्टर ट्रीट करने के साथ साथ अपना नाम यहाँ पर एलेक्स रख देता हूँ। आफ्टर डेट के पर हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जहाँ पर एक मैच चल रही थी एंड यहाँ के चेयरमैन रोज इसका कास्टिंग कर लेते हैं, वो रोज यहाँ के प्रेसिडेंट जैसे तुम बोल सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है अपना अनबीटेबल चैंपियन लियोन, जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया। एंड इसका 4000 भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इस गेम का। एंड ये अचानक से यार डायनामैक्स मतलब जिगंटामैक्स बन जाता है। एंड उसके बाद यहाँ से हमारी गेम पोकेमॉन शॉर्ट शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पर घर पर होते हैं एंड मेरा प्यासा दोस्त होप मेरे को यहाँ से लेने आता है। भाई मैं हमेशा की तरह घर पे नल्ला बैठा गेम ही खेल रहा होता हूँ। एंड उसी बीच मेरा दोस्त होप मेरे को आके बोलता है, हेलो एलेक्स क्या कर रहा है आज, मैं स्टार्टर लेने जाना, क्या तू भूल चुका है? एंड ये सुनते मैं जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाता हूँ। एंड बाहर मेरा दोस्त यहाँ मेरा वेट कर रहा था, तो आने के बाद हम बात ही कर लेते कि अचानक मेरे को दिखता है उलू पोकेमॉन गेट तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बट हमें उससे क्या लेना था, राइट? हम तो आगे निकलने वाले थे अपना स्टार्टर लेने के लिए, तो हम निकल पड़े आगे अपना स्टार्टर लेने के लिए। एंड यहाँ पर होप का बड़ा भाई द अनबीटेबल चैंपियन लियोन हमें अपना फर्स्ट पोकेमॉन देने वाला था। तो इसने 3 पोकेमॉन निकाले थे जो कि भाई ग्रोकी था, सबल था एंड यहाँ पर स्कॉर बनी भी था। तो यहाँ पर ये तीनों आ चुके थे एंड मुझे इनमें से सबसे ज्यादा पसंद था स्कॉर बनी, तो मैंने इसको यहाँ से टेक कर लिया एज अ हमारे स्टार्टर पोकेमॉन। एंड यहाँ पर इसने ग्रोकी को टेक किया, मतलब हाँ होप ने, एंड इसका पोकेमॉन के साथ खुश था। एंड बाय द वे उसके बाद ये पोकेमॉन सर पे आ गया कि इसको हुआ क्या है, बट लास्ट होते लियोन इसको ले लेते हैं अपने साथ। एंड आफ्टर दैट हमारे और होप के बीच में एक बैटल हो जाती है, जिस बैटल के अंदर भाई साहब होप तो लुकिंग में अच्छा ही दिख रहा था एंड वो अपना फर्स्ट पोकेमॉन रिलीज करता है वो लो, जिसके खातिर मैं भी रिलीज करता स्कॉर बनी एंड टेकल के साथ उसे बीट कर देता हूँ। आफ्टर दैट होप का सेकंड पोकेमॉन ग्रोकी आता है, जिसके साथ मतलब जिसको हम एम्बर से बीट कर देते हैं, दो ही एम्बर के अंदर वो बीट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग अपने फर्स्ट मैच जीतने के बाद यहाँ पर आकर देखते हैं कि होलू यहाँ से गेट तोड़ के बाहर निकल चुका है एंड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फॉरेस्ट में जा चुका है, जो कि पास ही के हमारे घर के पास ही का फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक वाला हो एंड इसके अंदर जाना रिस्ट्रिक्शन है। तो हम यहाँ पर जा चुके थे होलू को ढूंढने एंड लिटरली इसके अंदर बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन रहता है। तो हम लोग चुपचाप बहुत ही आगे गए एंड करीब 5 मिनट तक होलू को ढूंढा। ढूंढने के बाद यहाँ पर कोहरा भर रहा था, हम समझ नहीं आता कि हमें हुआ क्या यहाँ पर। एंड अचानक से हमारी साइड से भाई एक लेजेंडरी पोकेमॉन की एंट्री होती है। भाई साहब ये लुकिंग में ही इतना खतरनाक था कि भाई देख के हमारी फट चुकी थी, बट इसका भाई एक लाउड जैसा चिल्लाने के साथ साथ जिससे बैटल शुरू हो जाती है एंड इसको हम अटैक करते हैं, बट भाई इसका अटैक लग ही नहीं रहा था इसके ऊपर। लाइक क्या ही अजीब गरीब चीज़ थी, मतलब लग ही नहीं रहा था भाई। एंड लास्ट ऑफ ये मिस करते करते पूरा अंधेरा कर देता है, मतलब पूरा पूरा भाई कुछ दिख नहीं रहा था हमें। एंड आफ्टर कुछ घंटों बाद हमारी यहाँ पर आँखें खुलती है बिकॉज हम बेहोश हो चुके थे भाई, उस पोकेमॉन ने बेहोश ही कर दिया था हमें। एंड यहाँ पर चैंपियन लियोन आता है जो कि हमें बोलता है तुम लोग सेफ तो होना, एंड हम बोलते हैं यहाँ पर हमने होलू को ढूंढने आए थे, लेकिन चैंपियन लियोन ऑलरेडी होलू को ढूंढ चुका था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट हम लोग बाहर आ गए एंड हमें यहाँ पर रिसर्च लैब में जाना था प्रोफेसर के, बिकॉज हमें यहाँ पर जाना था कि वो पोकेमॉन कौन सा था। यहाँ पर हम आए प्रोफेसर को ढूंढने, बट यहाँ पर प्रोफेसर नहीं थे, उनके असिस्टेंट सोनिया यहाँ पर थी जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। बट कोई बात नहीं, इससे हमें वाइज पोकेडेक्स मिलता है एंड पोकेडेक्स लेने के बाद मैं चला आता हूँ प्रोफेसर को ढूंढने, बिकॉज प्रोफेसर थोड़े आगे गए हुए थे। एंड उसी रास्ते में मेरे को एक पोकेमॉन मिलता है जो कि चर्टल नाम ऐसा आई थिंक सही लिया मैंने। तो इस पोकेमॉन को देखने के बाद मुझे इसको कैच करने का भाई मूड आ गया, बिकॉज ये डर्जनों में इवॉल्व होता है, मैंने इसे तुरंत ही कैच कर लिया एंड मैं आगे बढ़ गया। आगे मुझे काफ़ी सारे ट्रेनर्स मिले जिनको मैंने हराया एंड फाइनली मैं प्रोफेसर के यहाँ पर घर के पास पहुँच गया। यहाँ पर आने के बाद प्रोफेसर ने हमारी स्वागत की एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोगों को एक बैटल करना पड़ा, बिकॉज प्रोफेसर को मेरे और हॉप के बीच का एक बैटल देखना था। तो हमने यहाँ पर हॉप कराया एंड खुश होकर लियोन ने हमें एनरोलमेंट दिया, जिसके सहारे हम जिम को चैलेंज कर सकते हैं। यस, हम अभी जिम चैलेंजर बन सकते हैं फिलहाल। एंड आफ्टर अचानक से आसमान से एक स्टार गिरता है, जिसको देख के मेरे और हॉप दौड़ के जाते हैं। यहाँ पर दो स्टार थे, तो एक होप रखता है एक मैं रखता हूँ एंड ये विशिंग स्टार थी जिसके सारे डायनेमिक्स बैंड बना सकते हो। तो मैं यहाँ दादी जी को मतलब हाँ प्रोफेसर को दे देता हूँ एंड उसके बाद एक दिन हम इनके घर रुकते हैं। सेकेंड डे दादी जी हमें यहाँ पर देती है डायनेमिक्स बैंड उस विशिंग स्टार से बना के, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम था। इसको लेके तुरंत हम नेक्स्ट सिटी के लिए निकल पड़ते हैं, मतलब हाँ हमारे उसी सिटी से बैक आते हैं। एंड यहाँ पर हमें ट्रेन पकड़ना था नेक्स्ट सिटी जाने के लिए, तो हम लोग सब ट्रेन पकड़ के निकल रहे थे आगे की साइड। एंड नेक्स्ट जगह भाई साहब बहुत ही एक बड़ा मैदान होने वाला था जहाँ पर डायनेमिक्स एनर्जी भाई भरपूर थी, मतलब हर जगह भाई डायनेमिक्स पोकेमॉन थे उधर में, मतलब हाँ। एंड उसके बाद सोनिया के मुझे पोकेमॉन बॉक्सिंग देती है, जिसके सारे ऑफकोर्सली मैं कुछ पोकेमॉन्स को अपने पार्टी में ऐड कर सकता हूँ कैच करने के बाद, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ से भेड़ी ढूंढने लगते हैं,
बट बेरी के बदले पोकन मिल जाता है जिसको मैं हराता हूँ एंड फिर मैं डायनामिक्स एनर्जी की खोज में निकल पड़ता हूँ। जहाँ पर मुझे एक डायनामिक्स एनर्जी मिल जाती है एंड यहाँ से मुझे 300 वर्ट मिलती है डायनामिक्स पावर एंड उसके बाद मैं यहाँ पर पोकेमॉन को राइड करना शुरू करता हूँ डायनामिक्स राइड ओके रेड। एंड यहाँ पर रेड के अंदर मेरे को एक सबसे बड़ा पोकेमॉन ट्रफिन्स मिलता है जिसको भाई साहब देखने के बाद मैं भी अपने सिंडर को यहाँ से स्कॉर्बनी को कर देता हूँ यहाँ पर डायनामैक्स। या अपने पास डायनामैक्स के साथ सेकंडामैक्स नहीं है भाई बट कोई बात नहीं अपडेट में इसको भाई अपने पावरफुल अटैक मार दो पंच आसमान से पंच गिरता है एंड जिस तरह से मैं इसको यहाँ से फिनिश आउट करता हूँ। फिनिश आउट करने के बाद इसको कैच करने का ऑप्शन तो आता है बट आई कैन कैच इट बिकॉज मुझे पसंद नहीं। एंड उसके बाद काफ़ी ऑसम मुझे रिवॉर्ड मिलता है जिनके साथ मैं अपने लेवल मतलब पोकेमॉन्स को लेवल अप कर सकता हूँ। तो मैं अपने चुपचाप स्कॉर्पियो को 16 लेवल पर ले जाता हूँ एंड फाइनली उसको कर देता हूँ अपने सेकंड स्टेज रैबूट में इवॉल्व। एंड आफ्टर दैट मैं कुछ और डायनामिक्स हंटिंग करता हूँ जहाँ पर काफ़ी खतरनाक ही पोकेमॉन आ रहे थे भाई एंड बहुत ज़्यादा ही काफ़ी मैंने एक घंटे तक यही किया था। एंड आफ्टर दैट मैंने सब पोकेमॉन को वन शॉट टू शॉट थ्री शॉट जैसे कैसे बीट किया जिससे मैंने रिवर्स में अपने टीम को लेवल अप कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैं निकल पड़ा नेक्स्ट सिटी के लिए। नेक्स्ट सिटी पास ही में था तो भाई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। एंड यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अपने नेक्स्ट सिटी में जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था भाई। एंड इसमें ढूंढते ढूंढते भाई मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था बट अचानक मैं जाते जाते भाई सब लियोन एंड उसका 4000 मुझे पीछे से मिलते हैं। एंड वो मिलने के बाद भाई लियोन आके मेरे को यहाँ से पीस ऑफ चारकोल देता है जिसके सारे फायर टाइप वो बूस्ट हो सकते हैं तो मैं वो रेबोट को थमा देता हूँ। एंड फिर मैं निकल पड़ता हूँ आगे बिकॉज हमें यहाँ पर जिम के लिए रजिस्टर करना था जहाँ पर होप मेरा इंतजार कर रहा था अंदर। एंड आते ही भाई हम देखते घमंडी ट्रेनर्स को जो कि रजिस्टर करके यहाँ से निकल रहा होता है। एंड उसके बाद हम लोग चुपचाप अपने आपको रजिस्टर कर देते हैं यहाँ पर जिम चैलेंज के लिए। एंड उसके बाद हम लोग रजिस्टर करने के बाद हम लोग को रहने के लिए एक जगह दिया जाता है बट यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं यार एक टीम येल नाम की टीम यहाँ पर हमें दिक्कत कर रही थी तो भाई साहब हमने इनके साथ बैटल ले ली। ये लोग भाई देखिए एक टीम एक बंदी को मतलब एक ट्रेनर को वो सपोर्ट कर रहे थे ठीक है एंड वो उसको चीयर कर रहे थे एंड वो बाकी सारे ट्रेनर्स को भाई भगा रहे थे मतलब हाँ उसको वो जिस ट्रेनर को सपोर्ट करते बस उनको ही उसको मतलब जिताना है। तो उसके बाद वो ट्रेनर यहाँ से आ जाती है जो कि मरनी होती है एंड आने के बाद भाई ये इन लोगों को ये डांटती बांटती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। एंड आफ्टर दैट मरनी भाई हम लोगों से भी माफ़ी मांग लेती है बिकॉज क्या इसके इन चेयर वालों ने मतलब जो इनको चेयर करते हैं चाहने वालों ने हमें दिक्कत दी थी भाई। जब आफ्टर दैट हमारे मरनी से दोस्ती भी हो जाती है एंड फिर फाइनली भाई हम लोग नेक्स्ट डे आते हैं एक इवेंट के लिए जिसके लिए हमें एक दिन यहाँ पर रुकना पड़ा था। एंड ये इवेंट थी भाई साहब बहुत ही बड़ी सारे ट्रेनर्स यहाँ पर आ चुके थे हमारे साथ एंड यहाँ पर सारे जिम लीडर्स भी आ गए थे जो कि आठों के आठों जिम लीडर्स इस गेम के। एंड आफ्टर ये सारे इवेंट खत्म होने के बाद हमें चेयरमैन रोज से फ्लैंग टैक्स रिसीव होती है जो कि उन्होंने कहा था इस लॉन्डिया को हमें देने के लिए। एंड आफ्टर इस सिटी के भाई लोग कितने ज़्यादा ही अच्छे हैं सब लोग हमें यहाँ से जोशीला कर रहे थे सब लोग बोल रहे जाओ तुम कर सकते हो जिम चैलेंज है तो हम लोग रोड 3 के और निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छे पोकेमॉन मिल रहे हैं साथ ही साथ कुछ ट्रेनर्स भी जिनको हमने यहाँ से चुपचाप बीट किया लाइक काफ़ी सारे ट्रेनर से आ पाते तो हमें सबको एक एक ढूंढ के बीट करना था बिकॉज हमें लेवल चाहिए था। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक माइन में आ गए चूँकि गालार का माइन था एंड अफकोर्सली इस माइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीरे और स्टोन लगे हुए थे मुझे चाहिए था कीरा मतलब कहीं से तो ले लूँगा बट मिल ही नहीं रहा था यार बट कोई बात है दिल पर पत्थर रख के हम आगे निकल पड़े। एंड यहाँ पर अफकोर्स मुझे कुछ ट्रेनर्स मिले जिनको मैंने हराया एंड आफ्टर थोड़े आगे मेरे को बीड मिल गया जो कि ये लौंडा था भाई साहब घमंडी लौंडा जो कि पहले रजिस्टर कर चुका था एंड इसको चेयरमैन रोज ने चुना था आने के लिए है तो भाई इसको तो हराना बनता ही है ना हमें लियोन ने चुना है इसको रोज ने चुना ट्रेनर बनने के लिए तो हमने यहाँ से चुपचाप इन सबको यहाँ से बीट किया। एंड ऑफ लाइट हम लोग आगे निकल पड़े माइंड के बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पर पिकाचू दिखा था इसको मैं कैच करने के लिए आया बट ये स्कैम हो गया भाई ये लौंडा पिकाचू बट कोई बात नहीं ऑफ लाइट मैं नेक्स्ट सिटी में आकर यहाँ पर आकर मैं होप मिला एंड होप से मैं बात कर ही रहा था कि अचानक एक डॉगी आगे भोगता है मेरे पर एंड मैं इसके पीछे जाना शुरू करता हूँ भाई जब ये सोनिया का डॉगी था एंड सोनिया मेरे को यहाँ पर डार्केस्ट डे के बारे में बताती है। डार्क डे आई थिंक वो मतलब डार्क डे एक वो चीज़ है जहाँ पर क्या हुआ था कि काफ़ी सालों पहले पूरे गाला रीजन को एक ब्लैक स्टॉर्म ने ढक लिया था एंड यहाँ पर सारे पोकेमॉन डायनामिक्स होना शुरू हो चुके थे बट एक हीरो आया जिसने पूरे गाला रीजन के सारे पोकेमॉन को हरा के गाला रीजन को बचा लिया था। मतलब ये सब जानने के बाद में चला पड़ा भाई जिम को चैलेंज करने बिकॉज जिम चैलेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर होप ऑलरेडी जिम को बीट कर चुका था तो हमें भी जिम को बीट करना था मतलब यहाँ पर एक जिम चैलेंज कंप्लीट करना पड़ता है हर जिम को चैलेंज करने से पहले ठीक है। तो उसके जिम टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम आ थे यहाँ पर इसको बस ज़्यादा हार्ड नहीं था बस हुलू उसको कलेक्ट करना है एंड उसके साथ साथ यहाँ पर तुम चीज़ों को तोड़ दोगे जब 20 हुलू हो जाएगा तोड़ के आगे निकल जाएगा एंड उसी बीच कुछ ट्रेनर को भी हराना पड़ेगा। एंड लास्ट वाला चैलेंज भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड था लाइक काफ़ी सारे ट्रेनर्स को भी हराना पड़ा मेरे को एंड सारे उलूस को जब मैंने कलेक्ट कर लिया भाई उन्होंने 20 उलू के मिलकर भाई तोड़ दिया सब कुछ एंड वो लोग अपने अंदर चले गए भाई देखिए। उसके बाद मैं चला गया भाई जिम को चैलेंज करने एंड हमारा फर्स्ट जिम होने वाला था ग्रास टाइप जिम मतलब इसका जिम लीडर का नाम मिलो था एंड यहाँ पर आता है हम भी आते हैं भाई सब स्टेडियम में एंटर करते हैं एंड फिर इससे हमारा बैटल शुरू हो जाती है भाई जब इसका फर्स्ट पोकन है चुल्लू सा पोकन होता है जिसके सामने मेरा भाई रैबोट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है एंड फिर इसका फाइनल पोकन वो आता है जिसका नाम एल्डिगोस होता है। मैं अपने पोकन को डायरेक्टली ऐसे डायनामैक्स अपने पास तो मैं डायनामैक्स कर देता हूँ अपने पोकेमॉन रैबोट को एंड फिर भाई साहब ये देखा कि भाई ये भी अपने पोकेमॉन को उठाता है एंड कर देता है भाई साहब डायनामैक्स जो कि भाई साहब
बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। तो हमारे भाई साहब हमारे पास एक अटैक था जिसका नाम है मैक्स प्लेयर, जिसके साथ मैंने एक ही शॉट में से फिनिश आउट कर दिया एंड इसका पोकन पिच्चू बन चुका था एंड फाइनली उसके बाद मैं इसे जीत चुका था एंड जीतने के बाद इसका जिम बैच तो मिलना भाई गारंटेड ही था। तो जिम बैच इसका मुझे मिला एंड फिर मैं इस सिटी से चुपचाप बाहर निकलने के फिराक में था, बिकॉज इस सिटी में कुछ था नहीं तो हम आगे निकल पड़े एंड रोड साइड में आने के बाद मुझे कुछ बनने मिले जिनको मैंने यहाँ से बीट किया एंड बीट करने के बाद फाइनली हमें भाई आगे की जगह मिल गई जहाँ पर मैंने कुछ पोकेमोन के साथ खेला भाई सीटी बजा के बुला बुला के एंड फिर मैं चटल यहाँ से इवॉल्व हो गया कुछ बैटल्स के बाद फाइनली अपने फाइनल स्टेज ट्रेडनो के अंदर एंड फिर मैं थोड़ा और आगे निकल गया जहाँ पर मुझे कुछ बंदे टीम वेल के दिखे, एक बंदे को परेशान करते हुए उसके एक बाइक छीनना चाहते थे वो, तो उसने हमसे हेल्प मांगी एंड हम भाई हीरो की तरह आगे से बचाने बिकॉज यू नो आई एम ऑल्सो हीरो। तो मैंने इनको चुपचाप पीटा एंड आफ्टर दैट इस बंदे ने मुझे रोटम बाइक दिया जिसके सहारे अभी मैं साइकिलिंग कर सकता था। बाय द वे आफ्टर दैट जब मेरा दोस्त होप मिलता है जिसको मैं हराता हूँ एंड फिर ये पता नहीं सस्ते से करने वाला पोकन कहाँ से उठ उठ के आ रहा था, तो इसको मैं काउंटर करता हूँ बट इग्नोर करके आगे निकल जाता हूँ जहाँ पर मैं कुछ ट्रेनर को यहाँ से बीट करता हूँ एंड कुछ ट्रेनर को बीट करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से नेक्स्ट सिटी मिल जाती है एंड अफकोर्स इस सिटी के अंदर एक पोकेमोन जिम भी था जिसको मैं बीट करना था। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पोकेमोन सेंटर में जाकर अपने पोकेमोन से इलाज करवानी पड़ेगी, तो हमने वही किया एंड फिर पोकेमोन सेंटर से जब मैं बाहर निकला ना मुझे यहाँ पर चेयरमैन रोज दिखे एंड ओलंपिया इन सबको बोल रही थी यार अभी ऑटोग्राफ नहीं दे सकते रोज, आप चले जाओ यार साइड में, उसके फैंस चले आते रोज के फैन। वैसे भी यहाँ पर चेयरमैन रोज मेरे को मिलते हैं, तुम बोलते हो तुम एलेक्स ना जिसको लियोन ने चुना है, तो तुम अगर जिम निशा को हरा देते तो उसके बाद हम तुम्हारा जिम विनिंग का वो सेलिब्रेट करेंगे एंड ये बोल के रेस्टोरेंट में पास में चले आते हैं। मैं भाई जिम निशा को ढूंढने चला आता हूँ बिकॉज वो जिम में नहीं थी, तो यहाँ पर मुझे जिम लीडर निशा मिलते जिसको मिलने के बाद फाइनली ये मेरे को बचाने थी कि मैं एक चैलेंजर हूँ एंड ये मेरे को अपना लीग कार्ड देती है। लीग कार्ड बेसिकली पोकेमोन लीग का एक कार्ड होता है जिसके सारे तुम उस ट्रेनर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो, तो यहाँ पर मेरे को चार लीग कार्ड मिल चुके थे एंड सारे भाई अच्छे खासे ट्रेनर्स के ही थे, तो सब मेरे को मिलने के बाद मैं फाइनली यहाँ पर मुझे दो टॉक्सिसिटी की मूर्ति दिखी एंड मेरे को एक टॉक्सिसिटी चाहिए भाई देवे एंड फिर मैं चला गया फाइनली जिम को चैलेंज करने एंड यहाँ पर भाई तब जिम का मिशन काफ़ी ज़्यादा अजीब गरीब था भाई, वाटरफॉल ऊपर से गिर रहे थे स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ नहीं आया बट यहाँ पर देखा मैं वाटरफॉल के आर पर नहीं जा सकता, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स को यहाँ से चुपचाप देखिए बीट कर डाला एंड यहाँ पर कुछ बटन्स रखे हुए थे जिनको क्लिक करने के बाद वाटरफॉल एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह में आना शुरू हो जाते हैं। वैसे करते करते मैंने काफ़ी टाइम तक मतलब 10 मिनट तक तो इसको सॉल्व करने में मेरे को लग गए एंड कुछ टाइम ट्रेनर्स को हराने में एंड फाइनल उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनल वाला ऑन कर दिया एंड यहाँ पर मैं जिम चैलेंज जीत चुका था एंड आफ्टर डेट हमें अभी जिम लीडर को चैलेंज करना था जो कि भाई साहब वाटर टाइप की थी एंड हमारे पास उसका कोई सुपर इफेक्टिव मूव भी नहीं था ना सुपर इफेक्टिव पोकेमोन था। हम लोग यहाँ पर स्टेडियम पे आ गए एंड यहाँ पर दूसरे साइड में तो जिम लीडर निशा जो कि भाई वाटर टाइप स्पेशलिस्ट है इस पूरे के पूरे गेम की, हम चुपचाप आ गए यहाँ पर एंड हम लोग अपने पोजीशन के लिए बैटलिंग के लिए एंड उसके बाद भाई हमारी बैटल शुरू हो गई जिम लीडर निशा से। भाई जब इसका फर्स्ट पोकेमॉन यहाँ पर था गोल्डन जो कि जैन वन का ही एक नॉर्मल पोकेमॉन है जिसके लिए भाई हम अपने रेबोट को लाए एंड अपने स्विफ्ट अटैक से काफ़ी अच्छा डैमेज दिए बट मेरा रेबोट काफ़ी अच्छा खासा लेवल का था तो भाई उसका अटैक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था मेरे ऊपर। भाई देवी आफ्टर हम जैसे जैसे इसको बीट करते हैं एंड फिर मेरा ड्रेडनो आता है उसका सेकंड पोकेमॉन आता है जिसको मैं ड्रेडनो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से बीट करते हैं एक शॉट में ही एंड आफ्टर सेकंड शॉट में उसकी पूरी एचपी खत्म कर देते हैं एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन ड्रेडनो आता है जिसको वो बुला के भाई साहब यहाँ से कर देते हैं डायनामैक्स। भाई सही चीज़ है यार बट तुम्हें क्या लगता है पीछे रहने वाला हूँ? नहीं भाई, मैं भी अपने पोकेमॉन को यहाँ से कर देता हूँ डायनामैक्स एंड यहाँ से भाई होने वाला था डायनामिक्स ड्रेडनो वर्सेस डायनामिक्स ड्रेडनो जो कि भाई सब काफ़ी खतरनाक बैटल होने वाली थी। तो हम यहाँ से शुरू हो गया भाई इसको हराने के लिए, पहले तो इसका अटैक लॉन्च हुआ एंड एक ही अटैक में भाई मेरे ड्रेडनो को ज़्यादा फटी नहीं बट अब हमारी बारी थी एंड हमने भाई एक ही मैक्स चारफोल लिया एंड इसके अटैक से जब बारिश शुरू हो गई थी ना वो भाई साहब यहाँ से भाई रेत की तूफान में तब्दील हो गई थी जो कि बहुत ही औसम बात है। हमने उसको भाई टक्कर दिया एंड आफ्टर इट मैंने एक मैक्स ड्यूरेशन लगाया एंड उसी शॉट के अंदर ये ड्रेडनो पिट गया भाई साहब अच्छी तरीके से एंड उसके बाद एक चुटकू सा हो गया एंड हमारा ड्रेडनो यहाँ से जीत चुका था बैटल। हमें मिल चुका था यहाँ से जिम बैच निशा का, हमें अपना दूसरा जिम बैच फाइनली मिल चुका था जिसके बाद बाहर आने के बाद ओलिम्पिया मेरे को बोलती है सॉरी ओलियाना मेरे को बोलती है जो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में हमारा रोज इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर हम रोज से मिलने गए एंड रेस्टोरेंट के अंदर हमने काफ़ी सारा पार्टी शार्टी कर ली एंड उसके बाद हम लोग इस सिटी से निकल पड़े बाहर की साइड एंड यहाँ पर भाई एक और एक केव था मतलब गालान माइन टू था यहाँ पर हीरे जवाहरात निकलते ही यहाँ से ज़रूर से बट मुझे हीरा जवाहरात तो नहीं मिला लेकिन ये लौंडा वापस से मिल गया जिसको मैंने यहाँ से भाई कूटना शुरू किया बट ये पता नहीं अजीब अटैक करा था मेरे ऊपर बट कोई बात नहीं चुपचाप मैं सारे पोकन को कूट देता हूँ एंड ये गुस्से मारे में चिल्लाता है। भाई जब आफ्टर मुझे यहाँ पर फिशिंग करने का मौका मतलब मिल जाता तो मैं फिशिंग करता थोड़ी देर एंड मुझे ये काफ़ी अजीब गरीब पोकेमॉन्स मिलते हैं, मुझे पता नहीं कौन सा पोकेमॉन है मुझे भी स्ट्रॉगी क्या कर स्ट्रॉगी हट भाई हट 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 बट कोई बात नहीं आफ्टर फाइनली मुझे यहाँ पर एक पोकेमॉन दिखता है जो कि देखो यार सिटी वाले से बाहर आता है एंड फिर यहाँ पर टीम वेल हमारा रास्ता रोक रही थी बिकॉज इनको भाई जिम चैलेंजर को रोकना था एंड हम कोई नॉर्मल जिम चैलेंजर तो थे नहीं तो मैं और यहाँ से मेरा दोस्त मिलकर इनको यार पीट डालते अच्छी तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से एंड फिर हम लोग इस माइन से बाहर निकल जाते हैं। फाइनली बाहर काफ़ी सारे खतरनाक पोकेमॉन घूम रहे थे
जिनको अवॉइड करने के साथ साथ मैं आगे निकल जाता हूँ। आगे हमारे नेक्स्ट सिटी होने वाली थी जहाँ पर हमने रजिस्टर किया था, वापस से घूम फिर हम उसी सिटी में आ गए एंड यहाँ जिम को मैं चैलेंज कर निकल पड़ा। बट रात को इस जिम को मैं चैलेंज नहीं कर सकता तो मैं पास ही होटल में चला गया सोने रात को। बट मेरे को मरनी मिल गई, मरनी तुम्हें पता है भाई हमारी ओपोनेंट मतलब राइवल हो एक तरीके से, एंड इसको जिम नेक्स्ट जिम के लिए प्रैक्टिस करनी थी यानी हमारे से बैटल करके प्रैक्टिस करने वाली थी। तो हमने कहा चलो सही है, एंड देखो पीछे टीम रियल इसको चीयर कर रही है, मरनी तुम हो बेस्ट, मरनी से सामने बाकी सब वॉच ये सब बोल रहे थे। बट कोई बात नहीं, हमने मरनी को सब सब चुपचाप निपटा दे यहाँ से। एंड आफ्टर डेट मरनी भाई साफ नेक्स्ट सुबह हो जाती है, हम मरनी के पास आते हैं, मरनी मेरे को दो बर्न हील देते हैं नेक्स्ट जिम को चैलेंज करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट जिम होने वाला था फायर टाइप का। तो यहाँ पर काफी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, गुड लक। तो इन सब के दुआओं को लेके मैं चुपचाप निकल पड़ा कप्पू को चैलेंज करने के लिए। यहाँ का जिम मिशन भाई काफी ज्यादा ही इजी था, बट यहाँ के पांच वाइल्ड पोकेमॉन मतलब फायर टाइप के पांच वाइल्ड पोकेमॉन को तुम्हें हराना है, एंड इससे तुम्हें एक पॉइंट मिलता जाएगा हर एक पोकेमॉन को हराने का, एंड ऐसे करके तुम्हें बस पांच पॉइंट एक अलग करने हैं। एंड इसमें भाई इन लोगों के जो यहाँ के जो वर्कर्स है वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, तो काफी अच्छी बात थी। हमने यहाँ पर सबको यहाँ से बीट किया एंड फाइनली उसके बाद हम पहुंच गए क्या के जिम लीडर कप्पू के पास, एंड ये मेरे साइड में खड़ा था भाई बगल में, बाकी से जिम लीडर अपोजिट साइड से आते हैं, बट ये भाई अपने साथ निकलता है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा एंड फ्रेंडली लगाओ। एंड भाई ये काफ़ी तो बड्ढा है, बट भाई साहब इसकी पावर देख रहे हो भाई, लॉन्डे में जोश बहुत अच्छी खासी है भाई। बट भाई देवी जो भी हो उसका हमारे साथ बैटल यहाँ से शुरू हो जाता है, एंड कप्पू का भाई फर्स्ट पोको नाइन टेल फॉक्स होता है जिसके सहारे मतलब जिसके सामने हम निकालते हैं अपने ड्रेडनो को, बिकॉज मेरा ड्रेडनो भाई साहब वाटर टाइप का था। एंड यहाँ पर मैं सबसे बड़ी गलती करता हूँ स्टार्टिंग में अपने पोकेमॉन को डायनामिक्स करके, बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि डायनामिक्स मूव सिर्फ तीन बार के लिए रहते हैं। आई नो ये काफ़ी क्रिंजी है बट मेरे को नहीं पता था लिटरली, एंड एक मूव करने के बाद नाइटिस मरता भी नहीं है भाई लॉल, बट दूसरा मूव मुझे यहाँ से यूज़ करना पड़ता है एंड मैं दो मूव बेकार हो चुके थे। फिर इसका आर्कनाइन के ऊपर मैं एक और मूव करता हूँ जिसके बाद मैं प्यार से डरना छोटा हो जाता है, पैसा बर्बाद। एंड आफ्टर जैसे जैसे मैं इस कार्यक्रम को बीट करता हूँ एंड फिर उसका भाई साहब खतरनाक पोकेमॉन आता है जो कि फायर टाइप का होता है, एंड ये इसको तुरंत कर देता है भाई डायनामैक्स भाई बहुत ही खतरनाक रूप बदल चुकी है इसकी। एंड फिर ये पोकेमॉन मेरे को मौत का परिंदा दिखा भाई आगे, मतलब मेरे को डर तो लग रहा था बट भाई मेरे अटैक में तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट कर देते हैं, उसके अटैक भाई साहब पता नहीं कौन सा सस्पेंस करके आता पूरा आधा एचपी मेरा ले गया इसके एक अटैक ने। एंड फिर मेरे पास कोई और पोकेमॉन था नहीं तो मैं रैबोट को ही बुलाता हूँ, मेरे प्यार से रैबोट आ जा भाई। एंड इसको बुलाने के बाद मैं टाइप एडवांटेज मतलब नहीं था मेरे पर लेकिन लेवल एडवांटेज था, बट उसके कई फायदे हैं भाई, डायनामिक्स पोकेमॉन है हम तो अपना सर पटकते हैं इसके आगे बट कोई फायदा नहीं होता। इसके बदले मैं अपने ड्रेडनो को यहाँ से रिवाइव कर देता हूँ, कुछ तो काम होगा ना भाई। एंड उसके बाद ये पोकेमॉन अपना पूरा गुस्सा निकाल देते हैं मैं छुटकू पोकेमॉन के ऊपर, वजह जैसे जैसे मेरा पोकेमॉन बस तो जाता है फिर मैं अपने ड्रेडनो को निकालता हूँ इसके गेंद, एंड ये पोकेमॉन पिच्चू बन जाता है बिकॉज इसका तीन बार मूव खत्म हो चुका था भाई। जब आप टाइम वाटरफॉल करके इसे फिनिश आउट कर देता हूँ एंड हम लोग जीत चुके थे कप्पू से। एंड उसके बाद मेरे को अपना जिम बैज मिलता था थर्ड वाला फायर टाइप जिम बैज, एंड फायर वाटर ग्रास जिम बैज हम जीत चुके थे। आफ्टर डेट हम आगे निकल पड़े, बट यहाँ पर निकलते निकलते मुझे यहाँ से होप ने रोका, एंड यहाँ पर कुछ जिम लीडर्स आ चुके थे हमारे मतलब ये बोलने की यार ज़्यादातर ट्रेनर्स अभी क्विट कर चुके हैं बट तुमने हम तीनों को हराया कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम आगे जाओ बहुत ही अगर फायर जिम लीडर्स को हराओ एंड चैंपियन बनो, ये सब काफ़ी मोटिवेट किया इन लोगों ने हमको जिसकी ज़रूरत तो नहीं थी। बट आफ्टर डेट मैं और होप निकल जाते आगे वापस से उसी वाइल्ड एरिया के अंदर, एंड इस बार हमें इस साइड से आगे निकलना था तो क्या था भाई हम लोग निकलने वाले थे तभी अचानक भीड़ आता है एंड होप को बोलता है चल भाई बैटल कर लेते हैं हम दोनों एक दूसरे से, एंड ये बोल के भाई ये होप को लेके निकल जाता है आगे की साइड। बट हमें क्या करना था, हमें तो भाई अपने सफर में आगे निकलना था, बट उससे पहले मैंने अपना दिमाग लगाया जो कि था नहीं मेरे पास, एंड उसको यूज़ करके मैंने सारे पोकेमॉन्स को यहाँ से मतलब जाइगेंटामैक्स एंड डायनामिक्स पोकेमॉन को, वैसे जाइगेंटामैक्स तो आते नहीं बट यहाँ सारे डायनामिक्स पोकेमॉन को बीट करना शुरू किया, एंड उससे मैंने रिवर्स अपने टीम को लेवल अप करना शुरू किया बिकॉज भाई अपना टीम का लेवल सही रखना बहुत ज़रूरी है। एंड उसी बीच में कोई गोलेट दिखा यहाँ पर, ये गोलक में इवॉल्व होता है तो मेरे को इस चाहिए था बिकॉज पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड में भाई सब काफ़ी बड़ा दिखता था वो पोकेमॉन, तो मुझे यहाँ से चुपचाप डस्ट बॉल कैच करके मैंने इसको कैच कर लिया। एंड आफ्टर डैट मैंने रेड कैंडीज के थ्रू मैंने रैबोट को लेवल 36 में ले गया एंड फिर फाइनली मैं रैबोट यहाँ से स्क्वाड बनी में इवॉल्व कर चुका इसका फाइनल स्टेज था। एंड फिर मैं थोड़ा और आगे निकल गया जहाँ पर मैं बड़ा वाला कौवा दिखा तो कहते हैं क्रोनाइट जो भी इसका नाम है, एंड मैंने सोचा इसको कैच करते हैं बट मैं फिलहाल सिर्फ 35 लेवल के पोकेमॉन को ही कैच कर सकता हूँ बट ये 38 लेवल का था, तो मैं चुपचाप यहाँ से अपना सबसे पावरफुल मूव पायरो बॉल निकाला जो कि सिंड्रेस का सबसे पावरफुल मूव होता है, एंड इसको मारने के बाद मैंने अपना डस्ट बॉल यूज़ करने की ट्राई की बट मैं वो यूज़ नहीं कर सकता था तो मैंने इसको मार दिया बिकॉज पता है ना 35 लेवल के बुक यूज़ कर सकता मैं। एंड फिर यहाँ पर मैं आता हूँ जाने के लिए आ गया, एंड यहाँ पर भी सारे जिम बैजेस चेक करता है एंड चेक करने के बाद मेरे को आगे जाने देरी आता है कि भाई यहाँ पर मेरे को बेड मिलता है जो कि ऑलरेडी होप को हरा चुका था,
एंड इसके एटीट्यूड भाई साहब अब कम नहीं हो रहा है यार, हम इसको हराएंगे तब कम होगा। मतलब ऑफलेट में ऐसा नेक्स्ट सिटी में चला आता है, नेक्स्ट सिटी यहाँ पर थी हैमर क्लॉक सिटी, जो कि भाई साहब यहाँ का सबसे फेमस सिटी है एंड यहाँ का सबसे स्ट्रांगेस्ट जूनियर यहाँ पर ही रहता है, जिसका नाम रिहान है, जो कि आपको चैंपियन मतलब चैंपियन लियोन का लाइवल है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखता है बेड इन लोगों के लिए विशिंग स्टार कलेक्ट कर रहा है, पता है इनको विशिंग स्टार का क्या करना है, भाई विशिंग स्टार वाली स्टार है जिससे पोकेमॉन को डायनेमिक्स कर सकते हो तुम या जाइगन डायनेमिक्स कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट ओलियाना इसके साथ लेकर चले जाते हैं अंदर, इनको कुछ बातचीत करनी थी एंड फिर मेरे को रोज बुलाता है, चल यार एलेक्स तुम यहाँ पर आ गए, तुमने बात सुन ली, बट कोई बात है तुम अंदर आओ। एंड यहाँ पर आने के बाद ये मुझे कुछ बताने वाले थे बातचीत, बाई दी ये जगह सिटी का जिम था जहाँ पर मैं अंदर चला जाता हूँ। एंड अंदर जाने के बाद मुझे रोज मिलता है, जो कि मेरे को यहाँ पर बोलते हैं ये एक जिम नहीं है, ये एक पावर प्लांट भी है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर से एनर्जी सोखती है ये पावर प्लांट एंड फिर नीचे जाके वो मॉडिफाई होता है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर पूरे के पूरे गाला रीजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर जिम को चार्ज करने निकल पड़ता हूँ, बट मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर जिम को चार्ज करने के लिए तुम्हें 7 जिम बैच की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास फिलहाल नहीं था, तो मैं आगे निकल पड़ा। एंड यहाँ पर मेरे को बाद में लियोन मिलता है, जो कि बोल रहा था यार इसका भाई होप थोड़ा अपसेट लग रहा था, मैंने कहा यार बेट से वो हार चुका है इसलिए थोड़ा बहुत सरफिरा गया होगा, लौंडा कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। एंड फिर लियोन का एक मीटिंग था इंपॉर्टेंट रोज के साथ, तो वो यहाँ से निकल पड़ता है। एंड बाय द वे आफ्टर दैट मैं थोड़ा और आगे निकल पड़ता हूँ एंड लियोन ने आपको कहा था उसका राइवल मुझे थोड़ा आगे मिलेगा जिसका नाम रिहान था। एंड फाइनली वो मेरे को यहाँ पर मिल भी जाता है एंड वो मेरे को इस हेमाक्लोक सिटी का एक मिस्टिकल स्ट्रक्चर दिखाने वाला था, मतलब यहाँ एंशियंट कुछ चीज़ था यहाँ पर, जो इसको मैं देखने के लिए ऊपर चला जाता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ देर चढ़ने के बाद फाइनली मुझे ये जगह मिल जाती है जहाँ पर वो मिस्टिकल स्ट्रक्चर था। एंड फाइनली यहाँ पर आने के बाद मुझे सोनिया भी दिखते हैं, जो कि यहाँ पर रिसर्च करने आई थी इसके ऊपर। एंड उसके बाद वो मेरे को कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्या हुआ था कि दो बंदे उस पर आसमान देख रहे थे विशिंग स्टार को, अचानक विशिंग स्टार से कुछ चमकने लगा एंड फिर इन्होंने शॉर्ट एंड शील्ड को उठाया एंड उसके बाद ये लोग यहाँ का सब कुछ बचा, मतलब इनको इन लोगों ने सब कुछ बचा लिया था एंड फिर ये लोग यहाँ के क्वीन एंड किंग बन चुके थे। एंड आफ्टर दैट ये जो मिस्ट्री थी वो डार्क एज से कनेक्टेड थी या कुछ भी था, हम उसको हमें अभी जानना नहीं था, तो हम आगे निकल पड़े। एंड आगे मुझे टीम वेल के मेंबर दिखे जो कि हमें रोक रहे थे, तो मैंने इनको चुपचाप यहाँ से शांत करा दिया अपने सिंड्रस के पाइड बॉल के साथ एंड फिर मैं थोड़ा और आगे निकल गया जहाँ पर मुझे कुछ ट्रेनर भी मिले जिनको भी मैंने सिंड्रस के पाइड बॉल के साथ शांत करवाया। एंड फिर मैं यहाँ से सीरीज चलते चलते भाई आगे निकल गया, कितना मेहनत करता तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते यार, वो कर दो पहले। एंड फिर भाई मैं आ जाता आधे घंटे के सफर के बाद नेक्स्ट सिटी के अंदर। एंड नेक्स्ट सिटी में भाई एक जिम भी था जो कि आई थिंक ग्राउंड टाइप है जो भी था। एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे होप मिलता है, जिसके साथ हमारी वापस से बैटल शुरू हो जाती है एंड मैं इसके हर एक पोकेमॉन को भाई अपने खतरनाक मूव के साथ बीट करना स्टार्ट करता हूँ। मेरा सिंडर भाई बहुत पावरफुल था इसके लिए, मैं सिंडर इसके हर एक पोकेमॉन को भाई एक 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 शॉट में बीट कर रहा था। एंड भाई इसके सारे पोकेमॉन को बीट करने के बाद मैं यहाँ पर चला गया जिम को चैलेंज करने। एंड जिम का टेस्ट भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही अजीब था, लाइक तुम्हें इस गोल कट्टे जो भी इसके अंदर घुसना पड़ेगा एंड यहाँ पर भाई घूम घूम के तुम्हें जिम टेस्ट को पास करना पड़ेगा, जो कि भाई बहुत ही बेहिदा था मेरे लिए तो। एंड फिर फिनिश करने के बाद तुम्हें यहाँ पर कुछ चैलेंजेस को भी यार मतलब हराना पड़ता है, तो मैंने इनको सबको हराया। एंड फाइनली मैं उसके बाद निकल गया जिम लीडर को चैलेंज करने, मतलब क्या जिम लीडर ये लॉन्डिया थी जो कि फाइटिंग टाइप की जिम लीडर थी एंड या एक कराटे मास्टर भी थी, तो भाई सिर्फ इसकी हमारी बैटल शुरू हो जाती है। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन ऑफकोर्सली इसका एक फाइटिंग टाइप हिटमॉन टॉप होता है, जो कि भाई काफ़ी छुटकू सा अजीब सा दिख रहा था। एंड हमारा सिंडर पायरेबॉल मिस करता है, इसके बदले इसे हिटमॉन टॉप घूम घूम के मारता है इसे सिंडर, उसके बाद इसका बदला ज़रूर लेता है इससे। एंड आफ्टर दैट इसका भाई ये मोटू पोकेमॉन आता है, जिसको भी सिंडर एक ही शॉट में बीट कर देता है एंड फिर उसका फास्ट फेस चाहता है, जिसके ऊपर भाई हम एक शॉट करते थे लेकिन ये बीट नहीं हो पाता, जिसके बदले ये ड्रैगन देते हैं अपने सिंडर से एंड एक ही शॉट में फटाक से खत्म। भाई जब भी आफ्टर डेट हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, तो हम गोलट को लाते हैं एंड गोलट को भी ये वन शॉट कर देता है। एंड फिर हम ये डेडनो को लाते हैं, जिसके साथ वाटरफॉल के साथ मैं इसे फाइनल फिनिश करता हूँ। एंड फिर जो भी हो इसका मच्छा हम पाता है, मैं चुपचाप अपने भाई सिंडर को रिवाइव करने के साथ साथ उसको हाइपर पोशन भी दे देता हूँ, मतलब हाइपर पोशन नहीं सॉरी सिर्फ रिवाइव करता हूँ। एंड फिर ये अपने भाई पोकेमॉन को यहाँ से उठा के कर देती है जाइगेंटा मैक्स, भाई ये लग रहा है ना मौत का फरिश्ता भाई खतरनाक तरीके से। एंड आफ्टर डेट मेरा ये छुटकू सा डेडनो क्या ही करता है इसके अगेंस्ट, इसका पंच खाता है एंड एक शॉट में डेडनो का हो जाता है कल्याण। भाई भी आफ्टर में अपने पोकेमॉन का करते हैं यहाँ से डायनामैक्स एंड ये भाई अपना सिंडर ही था भाई, प्यासा सिंडर को मैं करता हूँ जाइगेंटा सॉरी डायनामैक्स। एंड डायनामैक्स होने के बाद अपना प्यासा सिंडर इसको यार एक शॉट में ही बीट करने वाला था, कर दे भाई बीट एक शॉट में, इज्जत रख दे, नहीं कर पाया। मुझे कोई बात नहीं, इसका मैक्स जाकर पड़ता है एंड फिर मैं सिंडर जैसे तैसे दूसरे शॉट में इसे बीट कर देता है, चलो ठीक बात है। एंड फाइनली उसका पोकेमॉन छोटा होता है एंड अपना पोकेमॉन भी यहाँ से भाई छुटकू हो जाता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग भाई इस जिम लीडर से बैटल जीत चुके थे एंड जीतने के बाद तो है इसका जिम बैच देना बनता ही था, हमने इसका चुपचाप जिम बैच उठाया एंड अपने 4 जिम बैच हमने कलेक्ट कर लिए थे। एंड आफ्टर दैट बाहर आने के बाद मुझे सोनिया इसका डॉग मिलता है, हम उसके साथ बात कर ही रहे थे कि अचानक से ऊपर से बूम करके कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, हम चुपचाप ऊपर की साइड निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद मुझे यहाँ पर बेट दिखता है, जो कि भाई चेयरमैन रोज का पोकेमॉन लेके आके यार से विशिंग स्टार को कलेक्ट कर रहा था, पता नहीं इसको लग रहा था कि ये चीज़ तोड़ने से इसको विशिंग स्टार मिल जाएगा एंड इस पुराने आर्किटेक्चर को तोड़ रहा था, क्योंकि गलार का एक हिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर हम इसे रोकने आ ही रहे थे
केलो नाम से बैटल शुरू कर देता है। भाई भी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा बिकॉज इसने काफ़ी बड़ी चीज़ को यार नुकसान पहुँचाने की ट्राई की। तो मैंने इसके हर पोकेमॉन का एक कुत्ते की मौत से पटाक से बीट कर डाला एंड बीट करने के बाद फाइनली यहाँ पर रोज चेयरमैन आ गए जो कि आने के बाद इसको बोला बीट तुमने काफ़ी गलत काम किया, मैं काफ़ी अपसेट हूँ। इससे भाई इसकी जिमी चैलेंजर का टैग छीन लिया एंड इससे भाई सारे वुसिंग स्टार भी बाद में छीन लिया गया भाई बेचारा बेड एंड भाई जो भी आफ्टर ये लोग निकल पड़े एंड मैं और सोनिया इसके बात कर ही रहे थे कि अचानक से सब कुछ टूट फूट के गिर जाता है एंड यहाँ पर देखते हैं कि हमें वो जो शॉर्ट एंड शील्ड थे ना जिन्होंने गलत को बचाया था वो असल में यूमर्स नहीं थे, वो दो पोकेमॉन्स थे। इन सब चीज़ों का मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये दो हीरोज इंसान नहीं थे, दो पोकेमॉन्स थे। एंड आफ्टर इट एक नई मिस्ट्री हमारे सामने खुलती है बट हमें उसे क्या लेना है राइट, हम तो निकल पड़ते हैं भाई नेक्स्ट पोकेमॉन को कैच करने नीचे की साइड में। यहाँ पर हमें एक्स मिलता है ये पोकेमॉन को मैं चुपचाप कैच करता हूँ एंड कैच करने के बाद मैं वापस इस स्टेडियम में आके जिम के ऊपर की साइड के जो रास्ता होता है उससे मैं निकल पड़ता हूँ आगे की साइड के लिए। एंड यहाँ पर निकलने के बाद फाइनली हमें एक मिस्टिकल फॉरेस्ट मिलता है जो कि घोस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ पर ये तो पोकेमॉन क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं, आने के बाद ये लोग साइड से निकल पड़े थे बट उसके बाद मैंने यहाँ पर भाई एक मशरूम था जिसका मैंने यहाँ से थोड़ा टच वाच किया एंड लाइट ग्लो हो गया एंड एक कुत्ता सा पोकेमॉन मेरे सामने आ गया। भाई असुर पोकेमॉन भाई काफ़ी खतरनाक लग रहा था, मुझे इसको कैच करना था बट मेरा हर मूव इसके सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, ये शिखर पंच मारता था इसका कोई असर नहीं होता बट मैं इसे एक ही शॉट में बीट कर देता हूँ घटिया। एंड फिर भाई कुछ ट्रेनर्स में मेरे को यहाँ पर मिलता है जिनको मैं यहाँ से चुपचाप शांत कराता हूँ घटिया पोकेमॉन जिनके पास। एंड फाइनली आफ्टर डेट मुझे जाता था कि पोकेमॉन ऐसा दिखता है जिसको मैं काउंटर करता हूँ एंड मुझे पता चलता है ये पोकेमॉन है। भाई जब मैं निराश होकर जा ही रहता है मुझे वापस से वाला पोकेमॉन दिखता है एंड फाइनली ये वाला पोकेमॉन था जिसको मैं चुपचाप अपना डक्स बॉल उठा के कैच कर लेता हूँ लल्लन टॉप। एंड फिर फाइनली हम आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए एंड हमारे पास बाइसाइकिल भी थी तुम भूलना मत। एंड यहाँ पर आने के बाद मेरा नर्स अपने नर्स जो भी तुम नर्स हो इलाज करवा दो मेरी चेस्ट, तो मैं इसे इलाज करवाता हूँ। एंड आफ्टर डेट मुझे यहाँ का जिम चैलेंज करना था। जिम तुम्हें बताया काफ़ी मस्त होता है, तो मैं सिटी भाई सब लुकिंग में तो काफ़ी अच्छी थी तुम देख लो क्या ही कूल सिटी थी। भाई जब फिर मैं आ जाता इसके जिम को चैलेंज करने के लिए एंड जिम में चैलेंजर मतलब जिम का मिशन बहुत ईजी था, यहाँ पर कुछ बेहिदा बेहुदा घटिया ट्रेनर्स आएंगे जिनको मुझे हराना है एंड ये लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका मैं हर एक क्वेश्चन का मैंने रॉन्ग आंसर दिया, मुझे याद नहीं कि मैंने इनके क्वेश्चन का एक भी सही आंसर दिया था, मैंने सारा का सारा ए टू जेड गलत 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 लगातार देता रहा एंड फिर मैं इनके सारे पोकेमॉन को हरा के फाइनली आ गया यहाँ से जिम लीडर ओलियाना, ये नहीं ये ओलियाना नहीं है इसका नाम ओपेल था ये क्या जो भी इसका नाम हाँ ओपेल जिम लीडर, इसको मैंने यहाँ से चैलेंज कर दी एंड मतलब इसका फर्स्ट पोकेमॉन ये कौन सा पोकेमॉन है दाढ़ी वाड़ी लगा के बट कोई बात नहीं इसको मैं एक शॉट ले बीट कर देता नहीं कर पाता क्या कोई बात नहीं एक शॉट ले बीट नहीं कर पाता मैं इसको यहाँ से दो शॉट ले बीट करना चाहता हूँ बट एक क्वेश्चन पूछती मेरे को ये कौन है मैजिक यूजर द विजर्ड, मैं मैजिक यूजर बताता हूँ एंड बैड मेरा पोकेमॉन का भाई साहब यहाँ से वो स्टैट माइनस हो जाता है मतलब फिर मैं इसके हर एक पोकेमॉन को यहाँ से बीट करता है एंड बीच में क्वेश्चन भी पूछ रही थी भाई खतरनाक तरीके से इसका मैं रॉन्ग आंसर दिया था हर किसी का ही बहुत गलत क्वेश्चन आंसर में। भाई फिर जैसे जैसे मैं इसके सारे पोकेमॉन को यहाँ से बीट कर देता हूँ हाँ एंड फिर आता है इसका फाइनल पोकेमॉन जो कि होने वाला था जाइगेंटामैक्स, तो मैं भी अपने पोकेमॉन के यहाँ से जाइगेंटामैक्स और डायनामैक्स कर देता हूँ एंड अभी बारी थी उसकी एंड उसने भाई साहब खतरनाक मोड पर आ चुकी थी एंड उसने अपने पोकेमॉन को कर दिया था यहाँ से जाइगेंटामैक्स जो कि बड़ा केक बन चुका था मतलब ये बर्थडे में कितना रुपये बिकेगा वे बट कोई बात नहीं इसको मैंने यहाँ से मार डाला एक शॉट लगा के एंड फिर इसने भाई ऊपर से हमारे ऊपर ताड़े ने क्रीम बरसाई इस क्रीम को खा के मेरा सिलेंडर मोटा बन गया भाई। जब भी आफ्टर डेट भाई मेरा सिलेंडर एक मैक्स देन मारता है एंड इस पोकेमॉन का हो जाता है कल्याण एंड फाइनली हमारा भी भाई यहाँ से पोकेमॉन चुटकू हो जाता है एंड हम लोग फाइनली इसका जिम बैच जीत जाते हैं एंड या ओलंपिया जो भी इसका नाम है। मैं जब इसके बाद ये आती है मेरे साथ एंड बोलते हैं हेमाक्लोक सिटी में तुम्हें जाना ना मैं भी चलूँगी वापस चलो उस सिटी में चलते हैं एंड फिर इस सिटी में आने के बाद मैं थोड़ा घूम ही रहा था कि मेरे को यहाँ से बीड मिलता है जो कि आपसे अपना भाई एटीट्यूड किंग अभी तक बना हुआ था बट ये बोलता है कि यार मैं रोज से बोलूँगा कि मुझे अपना सब कुछ वापस कर दे ताकि मैं जिम चैलेंज कंटिन्यू कर सकूँ एंड उसी बीच आप ओपेल आती है देखने के बाद ओपेल इस लॉन्डे को हाई सब पिंक ओपेल को पिंक कलर बहुत पसंद था एंड ये इस लॉन्डे का भाई जब पिंक 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 करती रहती है एंड भाई जी उसके बाद ओपेल इसको बोलती है कि मुझे विशिंग स्टार के बारे में काफ़ी सारे कुछ चीज़ पता है तो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें विशिंग स्टार के बारे में बताऊंगी। तो ये लॉन्डा भी खुश हो जाता है बिकॉज इसको विशिंग स्टार तो कलेक्ट करना था ना चेयरमैन के लिए तो ये भाई साहब विशिंग स्टार को यहाँ से कलेक्ट करना मतलब कलेक्ट करने के लिए इसका चला जाता है एंड आफ्टर मुझे यहाँ पर सोनिया मिलती है वापस से इसके साथ मैं बात कर ही जाती है अचानक से भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि मतलब एक बूम करके साउंड आता है एंड पूरा सिटी कांप जाता है। बता नहीं यार पावर प्लांट में रोज कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कि ये जिम के नीचे ही है पावर प्लांट एंड आफ्टर डेट हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे कि यार कुछ तो गलत हो चुका है डायनामिक्स एनर्जी स्पोर्ट हो रहा है आसपास एंड फिर लियोना के बोलते हैं यार यहाँ पर कुछ तो गलत कर रहे हैं रोज एंड फिर ये दोनों भाई साहब एक साथ वहाँ पर जाने की सोचते हैं लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिलता बिकॉज वे बड़े थे हम बच्चे थे
एंड फिर जो भी मेरा दोस्त जाता है कि मुझे बुलाता है एंड उसके बाद मैं उसे बैटल करने निकल जाता हूँ आगे। मुझे ये लौंडा पता है तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मतलब सबसे मस्त भाई चैलेंजर यही है मेरा ओपोनेंट राइवल, बिकॉज इसके पास यार सब हर बार मतलब अलग अलग पोकेंस होते हैं, हर बार ये अपना टीम बदलता रहता है, नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता है, बट कोई बात नहीं यार, हर बार बबुआ तुम्हें हमसे हारना ही है, तो हर बार कुछ नया स्ट्रैटेजी था, नए कुछ भी लेके आओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई तुम्हें इसको हराने के बाद फाइनली मैं निकल जाता हूँ आगे की साइड में एंड मुझे यहाँ पर एक टॉक्सल पोकेमोन चाहिए था, तो यार यहाँ पर टॉक्सल पोकेमोन ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर चुपचाप आता हूँ ग्रास में एंड मुझे एक टॉक्सल मिल भी जाता है, जिसको भाई साहब मैं पोकेबॉल छो करके तुरंत ही कैच कर लेता हूँ एंड कैच करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स को हराने के बाद आगे निकल जाता हूँ एंड यहाँ पर होता है भाई साहब एक मस्त बायोम नहीं बोल सकते इसको, पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं कुछ ट्रेनर्स को यहाँ से और बीट करता हूँ एंड सारे ट्रेनर्स को यहाँ पर बीट करने के बाद मुझे ये पता नहीं रेलगाड़ी दिखती है भाई, चक 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 चल रेल गाड़ी आगे चल जा तोड़ दे सब कुछ एंड फाइनली उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट सिटी के लिए एंड नेक्स्ट सिटी में आने से पहले क्या मिल गया मेरे को, ये जो हुए आइस वाले एरिया मिल चुका था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा आइस पोकन मिल जाए एंड ऑफकोर्स अच्छे खासे भाई ट्रेनर्स मेरे को इग्नोर, मैं बैटल करूँगा तुमसे ओके हाँ इग्नोर करना भाई नहीं बनता भाई हमें, बट उसके बाद फाइनली मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट सिटी में एंड यहाँ पर आने के बाद भाई ये सिटी भाई इतनी बड़ी, भाई इतनी बड़ी है ये सिटी, मतलब उस सिटी से ना ये दो गुना बड़ी है, यहाँ पर एक स्टेडियम भी था, तो हाँ भाई जिम देखने के बाद तो यार रहा नहीं जाता ना, चुपचाप मैं ऐसे साइकिलिंग करते करते जिम में चला आता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे पता चलता है कि मैं साइकिलिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका हूँ, बहुत ही माहिर हो चुका भाई साहब, मैं अभी साइकिल कॉफी रेस में जाने वाला हूँ तो सब लोग मुझे सपोर्ट करना ज़रूर। एंड अगर जिम मिशन भाई बहुत ही अजीब था, मुझे ये दो हाथ में पता नहीं क्या दो चीज़ देकर निकाल दिया जाता है एंड यहाँ पर अगर मैं गलत जगह कदम भी रखता हूँ ना तो मैं नीचे गिरने वाला था, तो मुझे जैसे तैसे भाई हफ्ते हफ्ते आगे बढ़ना पड़ रहा था एंड मैंने सब ट्रेनर्स को हराया एंड उसी बीच में टॉक्सल फाइनली अपने फाइनल स्टेज टॉक्सल सिटी में इवॉल्व हो गया एंड इसे के फॉर्म था जो कि मेरा फेवरेट था, तो मैंने इसको इवॉल्व कराने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से इसका आउट मिला एंड देखो कितनी सारी खतरनाक बाधाओं को सर्वाइव करते करते मैं यहाँ पर आया था एंड फिर मैं इसका दूसरा स्टेज भी ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करने के बाद देखो भाई कितना खतरनाक था ये, अगर ये तुम्हें ज़्यादा लग रहा है ना तो इसका तीसरा स्टेज देखो भाई अंधेरे में भाई जाए मेरे को भाई एंड जितना आगे जाओगे ना अंधेरा उतना कायम रह जाएगा, मतलब अंधेरा कायम रहेगा किलविश वाला एंड फिर फाइनली यहाँ पर मुझे ट्रेनर से कुछ मिलता है जो कि अंधेरे में मुझसे बैटल करते करते मेरे को पीट डाला था एंड भाई भी इसके बाद लास्ट तक हुआ यार इतने सारे गड्ढे को सरपास करते हुए तुम्हारा भाई यहाँ पर आया है, कुछ गड्ढे में तो गिरा भी था मैं भाई देखिए, उसके बाद फाइनली मैं जिम लीडर को चैलेंज करने आ जाता हूँ जो कि यहाँ के जिम लीडर आई थिंक ये वाला हाँ ये स्टाइलिश जिम लीडर जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड कूल दिख रहा था भाई, लौंडा मोटा हुआ था तो क्या हुआ ये कूल दिख रहा है जो भी है एंड फिर इसका फर्स्ट पोकन आता है जिसको मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ एंड आफ्टर डैट ये लौंडा एक पोकन मेरे को बीट करता है, दूसरे पोकन को बीट करता है, मेरे तीसरे पोकन को वन शॉट करता है, मेरे चौथे पोकन को वन शॉट करता है, पाँचवें पोकन को वन शॉट करता है एंड लास्ट ऑफ द मेरे पास ये मनहूस पोकन ही बाकी था एंड ये इसको भी वन शॉट करता है भाई दिव्य, फिर मेरे को अपनी औकात पता चलती है एंड मैं उठा के चुपचाप सोचता हूँ ट्रेनिंग करने चलते हैं एंड मैं वाइल्ड एरिया में निकल पड़ता हूँ जहाँ पर डायनेमिक्स एनर्जी स्पॉट हो रही थी एंड यहाँ पर मैं बहुत पहले गया था तो मैं याद होगा अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है एंड फिर यहाँ पर आने के बाद फाइनली मैं अपने डायनेमिक्स हंटिंग में लग जाता हूँ एंड लिटरली चार घंटे तक मैं यहाँ पर डायनेमिक्स हंटिंग करते मतलब करता हूँ चार घंटे तक यहाँ पर एंड बहुत ही अलग अलग डायनेमिक्स पोकेमोन को यहाँ से बीट करने के बाद इनसे मिली हुई जो पक्का क्या क्या बोलते हो इसे पवित्र पवित्र रेड कैंडीज एंड अफकोर्सली कुछ और चीज़ें तो थी जो कि हमें मिलती है उन सबको भाई साहब लिया हमने एंड फाइनली उसके बाद मेरे को एक ड्रीपी दिखा भाई साहब इस रीजन का सूडो लेजेंडरी पोकेमोन जिसको कैच ना करके मैं कैसे रख सकता था, तो मैंने उसको हराया एंड फिर मैंने अपने पोकेबॉल को यहाँ से चाइंड कर दिया एंड चाइंड करने के बाद इसके मुंह में फेंक दिया एंड फाइनली इसको यहाँ से चुपचाप कैच हो गया है ना, होगा ना मेरे भाई ओके हाँ जो भी है इसको कैच कर लिया यहाँ से कर लिया भाई ओके हाँ हो गया कैच एंड आफ्टर दैट मैंने इसको अपने टीम में घुसा दिया एक्सपी को हटा के एंड फिर फाइनली हमने अपने कुछ एक्सपी गंडे का यूज़ किया अपने ड्रेडनो के ऊपर बिकॉज नेक्स्ट जिम जो था ना वो वेकॉस रॉक टाइप का था, तो हमने अपने ड्रेडनो को फुल मतलब फुली फुल लेवलअप कर दिया था एंड उसी बीच मैंने अपने सेंडर को भी काफ़ी अच्छी लेवलअप कर दिया था, तो भाई देवे हमें अभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, मैंने जैसे जैसे इसका फर्स्ट पोकन को बीट करने की ट्राई की उसमें मैं ड्रेडनो के एल लगा दिया एंड भाई देवे उसके बाद मैंने इसको बीट कर डाला फाइनली एंड फिर इसका सेकंड पोकन आता है मैं अपने ड्रेडनो के ऊपर करता हूँ अपना फुल हील को यूज़ मतलब हाँ हाइपर पोजीशन को सॉरी यूज़ एंड फिर उसके हर एक पोकेमोन को वन शॉट मेरे पोकेमोन से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे भाई देवे इसका पूरा बदला मैं लेता हूँ एंड फिर फाइनली मैं आपको ड्रैगन को कर देता हूँ डायनामैक्स एंड भाई साहब वो भी काफ़ी चलने वाला था वो लौंडा जिम लीडर यार उसके पास होने वाला था जाइगेंटा मैक्स, तो उसने अपने पोकेमोन को रिटर्न किया एंड उसने कर दिया भाई जाइगेंटा मैक्स, बट मैं भी भाई अपने बदले के आग में पूरा था मतलब अगली बार उसने जो मेरी बेइज्जती की थी ना इसका पूरा बदला इस बार मैंने इसको ले लिया वन शॉट करके इसके पूरे टीम को एंड फाइनली आफ्टर दैट हम उससे जीत चुके थे एंड मुझे मिल चुका था उसका जिम बैज एंड देखो भाई मेरे पास कितने सारे जिम बैज हो चुके फाइनली एंड बाहर निकल के बाद मुझे फाइनली बुलाती है सोनिया यहाँ पर एंड रेस्टोरेंट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए बैठने वाले थे कि अचानक सोनिया को पीछे भाई यहाँ पर एक चीज़ दिखता है डार्क डे के बारे में एंड फाइनली
यहाँ पर और एक मतलब क्लू मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई जो तो लेजेंडरी पोकेमोन थे ना, वो लोग ने जब डार्क डे को हटाया था फिर भाई वो लोग घुस गए थे, मतलब कहाँ पर तो वो लोग सो गए थे स्लीपिंग के लिए, लॉन्ग टाइम स्लीप के लिए। एंड फिर फाइनली हमें ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, बट कोई बात नहीं, मिथॉप मेरे को बोलते हैं यार हमने उन दोनों पोकेमोन को देखा था, याद है एलेक्स, मतलब एक पोकेमोन देखा था। एंड वो जाने के लिए सोनिया में बाहर ले जाती है एक लेक के पास, एंड हम चुपचाप भाई उसके पीछे चल पड़ते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद सोनिया में बोलते हैं कि यार तुम लोगों ने उसको देखा था, इसका मतलब तुम लोग हीरोस बन सकते हो कालार के। एंड यह सुनने के बाद भाई होप बिल्कुल चंगा हो जाता है, बिकॉज उसने खाना भी खाया था भाई, उसके जोश उठ चुका था। एंड फाइनली उसके बाद होप मैं से बैटल शुरू करता है, जिस बैटल में भाई मैं इसको कुत्ते की तरह रौंदता हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से ट्रेनिंग करने निकल पड़ता हूँ, जहाँ पर मैं बिल्कुल 4-5 घंटे तक ट्रेनिंग ही करता रहता हूँ। उससे मिले हुए रिवॉर्ड से मैं अपने चुपचाप इस लॉन्डे को लेवल अप करवा लेता हूँ। एंड इसको कर देता अपना टीम का सेकंड हाईएस्ट स्ट्रांगेस्ट पोकेमोन। एंड मैं सिडनी में भाई लेवल 64 का हो चुका था। एंड फाइनली ये अपने सेकंड स्टेज में यहाँ से इवॉल्व हो जाता है। एंड ये कम नहीं था कि मैंने इसको और भाई रेयर कैंडी खिलाई, एंड मैंने कर दिया इसको अपने फाइनल मैक्स स्टेज में इवॉल्व, जो कि भाई ब्रिबी का मैक्स फॉर्म था। एंड इसके बाद इसका एक खतरनाक मूव खुल चुका था, जो कि ये ड्रैगन ट्रेड्स था, जो कि भाई बहुत ही पावरफुल मूव है, जो कि मैंने इन फ्यूचर नहीं थोड़ी देर बाद ही दिखाऊंगा मैं तुम्हें। इन फ्यूचर बोलते बोलते पता नहीं क्या कांड कर दूंगा मैं तुम लोगों के साथ। फिर मैं इसके कुछ पोकेमोन कराता हूँ आगे की साइड में। एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे टीम वेल दिखती है वापस से उसी बंदे को परेशान करते हुए जिस बंदे को उन्होंने पहले किया था। इस बार वो इस ड्रेडनो से भाई चैलेंजर को रोकने वाले थे, तो मैंने उनको चुपचाप सबको हराया। एंड फिर ये लोग ने इस ड्रेडनो के ऊपर सफर करके मतलब आगे बढ़ने का सोचा सर्व करके। एंड उसके बाद ये लॉन्डा मेरे को भाई खुश होकर वापस देता है एक रॉटम बाइक, जिसके साथ मैं अभी पानी में चल सकता था। हाय 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 पानी में के पोकेमोन, अब मैं आ चुका हूँ, हेलो ग्रैपलॉट क्या कर रहा है, अरे पीछे मत पड़, एक सेकंड रुक जा। एंड फाइनली उसके बाद मैं काफ़ी देर ट्रैवल किया, यहाँ पर आ गया कुछ लॉन्डो या लॉन्डो से बैटल करने। एंड या इनको मैंने यहाँ से चुपचाप, इसका नाम लेला है, लेला तेरे बंधु की तरह है भाई, जो भी हो इसके पोकेमोन को मैंने यहाँ से बीट किया। एंड बीट करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर आ गया नेक्स्ट जिम को चैलेंज करने। बट यहाँ पर भाई प्रॉब्लम थी इस जगह पर भाई, इस सिटी के अंदर ही मतलब इस सिटी का शटर डाउन था। डैम हम कैसे हराएंगे जिम को, बट अपने पास एक पुरानी दोस्त है जो कि मरनी, जो कि मेरे को साइड से बुलाती है, हे एलेक्स इधर आ इधर आ इधर आ। मैं चुपचाप दौड़ के भाई फास्ट जाता हूँ उसके पास। एंड ये मुझे वो बोलती है मैं इस सिटी में जन्मी हुई, तो मेरे को पता है यार इस सिटी का दूसरा भी रास्ता। एंड फिर ये मेरे को बोलते हैं काफ़ी सारे ट्रेनर्स तुम्हें पता चले जा चुके हैं, एंड तुम मेरे एक राइवल हो, तो मुझे पहले तुम्हें हराने दो फिर तुम इस सिटी में जा सकते हो। तो हम भी क्या ही करते, बैटल करना तो बनता ही है यार, इसका भाई जन्म स्थान ही है, चलो कर भी लेंगे इसे बैटल। एंड इसका हर पोकेमोन यहाँ से आता है, एंड बेचारा मैं इसको भाई खतरनाक तरीके से यहाँ से लाठी एंड गुलाटी मार मार के इसके पोकेमोन को कुत्ते की तरह मार देता हूँ। आइए देखो मैं ड्रैगन डेड सबसे खतरनाक अटैक, एक शॉट मारता है एंड फिर दूसरा ड्रैगन भी आके इसको शॉट मारता है, मस्त है ना। एंड फाइनली मैं मरनी को हटाता हूँ, मरनी को हटाने के बाद फाइनली मैं यहाँ से इसकी सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। बाय द वे फिर बोलती है मेरे साथ यहाँ पर आ जाऊँ। एंड फिर ये लॉन्डे बोलती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी चैंपियनशिप कप में, मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगी तब। एंड फिर ये लॉन्डे निकलती आगे, एंड मैं भी इसके पीछे पीछे निकल जाता हूँ। एंड ये सिटी होती है भाई साहब टीम बीएल की मेंबर्स की, भाई पूरा भरी पड़ी थी सिटी में। तो इस सिटी में आने के बाद मैं चुपचाप यहाँ से जाता हूँ जिम चैनल को पास करने। एंड उसी बीच मनी भी आगे निकल पड़ती है, भाई वो जिम लेडीज का बड़ा भाई था तो यहाँ बनता तो है ना। एंड फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, पता नहीं टीम बीएल के मेंबर हमें रोक रहे थे भाई, मतलब देखो क्या ही लौंडे थे यहाँ पर। एंड फिर जाते थे ऊपर से भाई कूद पड़ते, मतलब ये अगर तुम्हें कम लग रहा होगा ना भाई आगे की जगह देखो, मैं जाते थे पता नहीं मिस्टर माइंड मेरे को मिलता है जो कि पता नहीं तो क्या है। एंड मैं पीछे मुड़ते ही भाई मतलब देखो टीम पीछे थोड़ा ज़्यादा हुआ, टीम मेल के मेंबर भाई जंपिंग जपाऊंगा जंपक करके आते हैं मुझसे बैटल करने। एंड इनको हराता हूँ मैं फाइनली, एंड यहाँ के सबको भाई साहब हराते हैं। एंड इसका ड्रैगन टाइप अटैक देखो, एक शॉट इधर पे एक शॉट उधर पे, भाई दो ड्रैगन दो को जाकर पीटते हैं। एंड फाइनली उसी बीच मेरा ये खतरनाक असुरा पोकेमोन अपने फाइनल स्टेज में चला जाता है, लेकिन लिटरली एक डीमन दिख रहा है भाई। एंड फिर फाइनली यहाँ पर मेरे को यार वो मिलती है मरनी मिलती, जो कि इन लोगों को डांट देती है। मेरे को बोले सॉरी एलेक्स यार, ये लोग ने बता नहीं यार मतलब इसको जिताने के लिए था कि मरनी अगर मतलब बाकी सारे अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो मरनी वर्ल्ड लीग जीत जाएगा ना चैंपियनशिप कप। एंड फिर जो भी मरनी मेरे को बोलते जो भी हो तुम आगे जाओ एलेक्स, मेरे भाई को हराओ। एंड मैं उसके बाद आ जाता हूँ उसके भाई को हराने। एंड उसका भाई पता है सिंगिंग कर रहा था ए डिस्को दीवाने, डिस्को दीवाने वाला सॉन्ग पे। एंड फिर पता नहीं यार ये लौंडा मेरे को देख रहा है पीछे की साइड, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ भाई देख ले इधर इधर, हेलो भाई हाँ देख ले इसने मेरे को फाइनली। एंड देखने के बाद ये मेरे को पास आता है, बोलता जिम चैलेंजर हाँ तुम आ चुके हो चलो कोई बात नहीं। एंड भाई इस स्टेडियम में ना तुम पोकेमोन को जिगंटामैक्स नहीं कर सकते एंड डायनामैक्स भी नहीं कर सकते, दिस इज द मेन फैक्ट। इस जिम में ज़्यादातर लोग इसको अंडरएस्टिमेट करते हैं जिम लीडर को, बट कोई बात नहीं हम लोग इसे हराएंगे। और इसका नाम पेर्स था, चल भाई आज अपना फर्स्ट पोकेमोन इसने स्क्रेडली जो भी इसका नाम इसको निकाला, एंड हमने इसको सेंडर से इसको धो डाला। फिर इसका सेकंड पोकेमोन आता है
एंड इसको भी हम लोग भाई दो ड्रैगन मारते हैं एंड दूसरे ड्रैगन स्प्लिंच कर लेता है। एंड फाइनली इसका थर्ड पोकन आता है जो कि काफ़ी पावरफुल था यार, जिसका मेरा सिंडर एक ही शॉट में जिंगा लाला हू। एंड फिर इसका लास्ट पोकन आता है जिसको मेरा सिंडर जिंगा लाला हू। एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोग जीत जाते हैं इस जिम रेडर से एंड हमें मिल जाता है इसका जिम बैज। एंड बाय द वे जो भी हो जिम बैज मिल चुका था हमें, बट ये लोग पीछे क्यों रो रहे थे यार, मतलब चलो सही सही है रो रहे हो। एंड फिर फाइनली मैं यहाँ पर आता हूँ, आने के बाद ही मुझे बताते हैं यार बाहर कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। लियोन यहाँ पर संभाल रहा है एंड लियोन के पास आने के बाद देखते बुम बुम हर जगह से साउंड हो रहा है। एंड लियोन मेरे को बोलता है थैंक्स फॉर कमिंग एलेक्स, मैंने सब कुछ हैंडल कर लूँगा यहाँ पर, तुम अपने गोल पर फोकस करो। एंड यहाँ से मेरे को पता चलता है और एक बूम का साउंड आता है एंड लियोन यहाँ से टनल की ओर निकल जाता है एंड मैं भी टनल पर निकलता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया था कि यार सारे जो डायनेमिक्स पोकेमॉन होते हैं ना उनको डायनेमिक्स होने के लिए एक पावर स्पॉट की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर विदाउट पावर स्पॉट सारे पोकेमॉन डायनेमिक्स होते हैं, मतलब भाई वाइल्ड के सारे पोकेमॉन्स डायनेमिक्स हो जाए थे। बट कोई बात नहीं, लियोन ने यहाँ पर सबको हरा के सबको संभाल लिया था, बट ये काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बाय द वे हमने कुछ ट्रेनर्स को हराया एंड आफ्टर डेट मेरा गोलर जो था वो उसके फाइनल फॉर्म गोलक के अंदर इवॉल्व हो गया था। एंड आफ्टर डेट हम आए हैं क्लॉक सिटी के अंदर, जब हमें भाई यहाँ पर सब लोग दिखे बात करते हुए एंड यहाँ पर हमें पता चला कि सारे पोकेमॉन को तो लियोन ने हरा दिया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेड लाइट स्पॉन हो रहा है एंड सारे पोकेमॉन डायनेमिक्स हो जा रहे हैं उसके रेड लाइट के इफेक्ट्स। एंड यहाँ पर प्रोफेसर आती है, प्रोफेसर बोलते हैं कि उनको चेयरमैन ने बुलाया एंड आफ्टर डेट ये बोलते हैं गालार के फ्यूचर के लिए सोनिया तुम जल्दी से डार्केस्ट डे के बारे में रिसर्च करो, बिकॉज ये डार्केस्ट डे से ही कनेक्टेड चीज़ है, मतलब ये सब डार्क डे की वजह से ही हो रहा है। भाई जब इसके बाद हम लोग इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट ये लोग बोलते हैं एडल्ट्स को अपना काम करना था, बच्चे तुम अपने मतलब अपने ही काम करो, जिम लीडर्स को हराओ एंड चैंपियनशिप के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज तुम्हें अभी अपना वर्क करना है। तो भाई फिर हम अपना वर्क करने लगे गए, हम भाई लास्ट जिम मतलब रिहान के जिम को चैलेंज करने निकल पड़े। एंड रिहान का जो जिम था भाई ये इधर पे मतलब 2v2 बैटल चलता है, तो रिहान ने कहा कि हमें बस जिम मिशन पास करने के लिए इनके तीन ट्रेनर को हराना पड़ेगा जिसको इसने खुद पर्सनली ट्रेन किया है 2v2 बैटल के लिए। तो भाई हमारे पास भी भाई जब अपना ड्रैगन टाइप किंग था जिसने भाई एक एक शॉट में उनके एक एक पोकेमॉन को लगभग बीट कर डाला था, मतलब भाई इसके अटैक भाई डबल अटैक देता है, तो भाई ये काफ़ी अच्छी अटैक है इसकी। एंड फिर मैंने भाई अपने पोकेमॉन से कहरा मचा दिया हर जगह पर। एंड फाइनली उसका लास्ट एक एक लड़की बची थी जिसको हमने भाई साहब एक एक शॉट के अंदर इस एक पोकेमॉन को बीट किया, लास्ट पोकेमॉन को रेडनों ने बीट कर दिया। एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने चैंपियन के सबसे बड़े राइवल रिहान के पास। भाई बाय द वे ये रिहान का सबसे बड़ा राइवल है। एंड आफ्टर दैट इससे हमारी बैटल शुरू जाती है। भाई जी इसके पास दो पोकेमॉन थे एंड मैं भी अपने भाई साहब दो पोकेमॉन निकालता हूं एंड बैटल स्टार्ट होते इसके फ्लाइगॉन के इफेक्ट से भाई साहब हर तरफ मतलब वो हो जाती है क्या बोलते हैं सैंड स्टॉर्म, हाँ हो जाती है। एंड फिर उसके बाद भाई हम लोग सोचते हैं अपना सबसे पावरफुल मूव करेंगे एंड पावरफुल मूव करने के बाद एक ही शॉट के अंदर उसका फ्लाइगॉन मतलब पूरा लो हो जाता है, बट मरता नहीं है यार। एंड भाई ये हमारे एल भी लगाता है बाद में एंड फिर अपना उससे अर्थक्वेक से पता नहीं यार मेरे पोकेमॉन को क्यों डैमेज दिया, बट कोई बात नहीं हमने उसके बाद इन दोनों को ख़त्म कर दियो। एंड आफ्टर दैट इसका लास्ट पोकेमॉन यहाँ से रिलीज होते हैं जो कि भाई सब काफ़ी खतरनाक थे एंड ये डायनेमिक्स कर चुका था अपने पोकेमॉन को, लाइक देखो डायनेमिक्स थोड़ी जाइगेंटा मैक्स एंड भाई ये पहाड़ बन चुका था बिल्कुल, बट कोई बात नहीं भाई हमारे पास भी अपनी जाइगेंटा मैक्स फॉर्म थी, बट वाई आई डोंट यूज़ दिस आई डोंट नो। एंड फिर उसके बाद मैंने इनके ऊपर अटैक थोड़े बहुत बरसा है एंड फिर भाई इसने आसमान से पंच बरसा दी ड्रेडनो के ऊपर, जिससे ज़्यादा इफेक्टिव था नहीं। एंड फिर ड्रेडनो ने इस पोकेमॉन को यहाँ से निपटाते बच गया हो। एंड फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पोकेमॉन को करूँगा डायनामैक्स। एंड उसके बाद देखो यार कहरा बहुत ही बड़ा हो चुका था भाई, ये घोस्टी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। एंड आफ्टर दैट बॉय दोनों एक साथ भाई कितने खतरनाक लग रहे हैं। फिर अपना खतरनाक अटैक पड़ा इसके ऊपर जो कि ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट नहीं करा इसके। एंड फिर इसका भी भाई खतरनाक अटैक पड़ता है, बट भाई ये क्या पागल हो चुका है लौंडा बिल्कुल, कोई बात नहीं। एंड अभी भाई इसका अटैक पड़ता है भाई जो कि इसका जी मूव है एंड उससे मेरा पोकेमॉन पिट जाता है बेचारा। भाई जब फिर मैं पोकेमॉन छुटके होके पोके वॉल के अंदर आ जाता है एंड आफ्टर दैट मैं भाई इसको पीट देता हूँ। एंड लास्ट में जो मेरा सिंडर भाई इसको एक ही पायरो बॉल करना फिनिश कर देता है। भाई जब ये स्टील टाइप भी था ओपोनेंट तो इजीली तरीके से सिंडर्स ने मार दिया इसे एंड फिर हम जीत गए। जीतने के बाद अफकोर्स भाई यहाँ का जिम बैच हमें मिलना ही था, तो हमने इसका जिम बैच उठाया रिहान का। एंड फाइनली आफ्टर दैट मैंने अपने 8 के 8 जिम बैच कलेक्ट कर लिए। एंड फिर बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पर सोनिया मिलती है जो कि बोलती है एलेक्स हमसे सेलिब्रेट तो करते बट यहाँ पर डार्केस्ट डे आने वाला है एंड इसके लिए मुझे रिसर्च करना है। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या होने वाला था कि पोकेमॉन डार्केस्ट डे जो होने वाला था ना वो पोकेमॉन डायनेमिक्स हो जाते हैं, उसी की वजह से हुआ था। एंड यहाँ पर भी वाइल्ड पोकेमॉन डायनेमिक्स हो रहे हैं, तो भाई पूरा का पूरा कनेक्शन है पोकेमॉन डार्केस्ट डे एंड अभी वाले में। एंड फिर सोनिया अपना अवतार बदल लेती है, ये बन जाती है प्रोफेसर सोनिया, बिकॉज अभी इसको भाई सब रिसर्च करना था काफ़ी कुछ, तो भाई ड्रेस चेंज कर लिया इसने। भाई भाई हाँ मुझे इसे याद है कि हमें भी अभी ड्रेस चेंज करना है एंड पूरा गेम मैंने भाई नल्ला कुछ ना देके बिता दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ टी शर्ट देखे जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मुझे यहाँ पर जैकेट मिली
एंड ऑफकोर्स ये रेड वाली जैकेट भाई क्या ही मस्त लग रही थी, तो मैंने जाके चुपचाप उसे ही ले लिया ब्लैक एंड रेड। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ वो बैग्स पैक देखे एंड बैग पैक में से भाई मेरे को रेड वाला ही पसंद आया था, तो मैंने उसको लिया। एंड फिर उसके बाद मुझे कुछ टोपी दिखी, टोपी या वहाँ से मैंने फ्लैंक टिप वाली टोपी ले ली। एंड आफ्टर दैट मैं निकल पड़ा भाई साहब पोकेमॉन लीग के लिए। एंड यहाँ पे मेरे को होप मिल चुका था मेरा प्यारा सा दोस्त, हम लोग एक साथ निकल पड़े यहाँ पर स्टेशन पे रेल पकड़ के, हाँ बुलेट ट्रेन। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। एंड आने के बाद यहाँ पर आइस वाला एरिया था, यहाँ पर कुछ पोकेमॉन हमने उठाए मैक्स रिवाइव अच्छे आइटम्स में ले जाए। फिर कुछ बंदों को यहाँ से हमने बीट कर डाला सबको भाई सब, यहाँ से बीट करने के बाद फाइनली एक बज गया क्या, चलो इसको भी हमने बीट कर डाला अपने दो अटैक के साथ। एंड फाइनली यहाँ पर जब हमने सबको बीट कर डाला एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से पहुँच गए फाइनली उस सिटी में जहाँ पर होने वाला था पोकेमॉन लीग नहीं सॉरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई भी हाँ, इस गेम के अंदर वर्ल्ड चैंपियन ही बनते हैं अपन लोग, बिकॉज एज कैच भी बनना था तुम्हें याद है, तो हम भी बनने वाले वर्ल्ड चैंपियन। एंड इस सिटी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी खासी लग रही थी। यहाँ पर भाई साहब झूला भी था बड़ा वाला। एंड इसी स्टेडियम के अंदर होने वाला था अपना पोकेमॉन लीग का मैच, तो हम क्या करते हैं भाई चुपचाप यहाँ से पहले नर्सर के पास हील करवा लेते अपने सारे पोकेमॉन्स। वन इसी बारे में तुम्हें अपनी टीम भी दिखा देता हूँ, इसी टीम के साथ मैं लड़ने वाला हूँ पोकेमॉन लीग, तो वीडियो पोस्ट करके देख लेना वहाँ पर। एंड आफ्टर दैट हम लोग आ जाते हैं पोकेमॉन लीग में चैलेंज करने। भाई जब यहाँ के सारे लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, सब लोग भाई चैलेंज एलेक्स ऐसे चिल्ला रहे थे। एंड फिर फाइनली मैं और होप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं एंड मैं निकलता हूँ अपने फर्स्ट बैटल के लिए। फर्स्ट बैटल में कौन था ये मैं सोचता ही रहता हूँ। एंड आफ्टर दैट जब मैं स्टेडियम में जाता हूँ ना, यहाँ पर दिखती है मुझे मरनी ठीक ठाक है। एंड फिर इसके बाद ये बोलते हैं एलेक्स मैं तुम्हें हराने वाली हूँ एंड जब मैं तुम्हारे पिछवाड़े में लात मार के तुम्हें भगा दूंगी तब बुरा मत मानना। भाई देवी उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब हाँ तुम मेरे पिछवाड़े में लात मारोगे, अब देखते हैं ना कौन किसके मारता है। एंड फिर फाइनली हम लोग अपने पोकेमॉन निकालते हैं एंड इसका पोकेमॉन पर इतनी अजीब गरीब हरकत कर रहा था, बट मैं सिंडर से लड़ पा नहीं देता एक ही शॉट के अंदर खल्लास भाई साहब। एंड फिर उसका दूसरा पोकेमॉन आता है एंड मैं डेडनो आता है एंड मैं डेडनो एक ही शॉट के अंदर इसके एक पोकेमॉन को फिनिश नहीं कर पाता। एंड फिर ये इसका पोकेमॉन अपने अटैक मिस कर देता है एंड फिर डेडनो खत्म करता है इसे। एंड उसके बाद उसका भाई लास्ट पोकेमॉन आता है और लास्ट फिर इसका थर्ड पोकेमॉन आता है जो कि बुलेट सीड के साथ मेरे डेडनो को फिनिश आउट कर चुका था। भाई कितना खतरनाक अटैक है बुलेट सीड, पर कोई बात नहीं, उसके बाद इसका बैटल फॉर्म है वो इवॉल्व हो गया एंड मेरे सेंडर ने एक ही फ्लेम चार्ज के अंदर उसकी लंका लगा दी। एंड आफ्टर उसका फोर्थ पोकेमॉन आया, भाई साहब अजीब वाली पोकेमॉन था बट उसको भी बीट किया हमने। एंड उसके बाद उसका लास्ट पोकेमॉन राक्षस वाला पोकेमॉन आ गया, तो हमने भी चुपचाप अपने पोकेमॉन का कर दिया डायनामैक्स। एंड अपने पास रही था भाई जाइगेंटामैक्स तो नहीं था। एंड फाइनली इस लॉन्डे के पास इस बार जाइगेंटामैक्स था, तो इसने भी अपने पोकेमॉन को बुलाया कर दिया जाइगेंटामैक्स। भाई चलो चलो थे उसके पास जाइगेंटामैक्स है बट हमारे पास नहीं है अभी तक, बट कोई बात नहीं चलता है, इतना तो चलता ही है। तो हमने चुपचाप यहाँ पर उठाया एंड अपना सबसे पावरफुल मूव पकड़ दिया इसके ऊपर जो कि ज़्यादा असर नहीं करा। एंड फिर इसने भाई खतरनाक टार्केस्ट टाइप मूव किया हमारे ऊपर जो कि चुल्लू भर असर ही किया। एंड फिर अपने लास्ट अटैक के साथ मैंने इसको फिनिश आउट कर दिया यहाँ से एंड चुल्लू भर पोकेमॉन चुल्लू में बदल गया। एंड ऑफ दैट फाइनली मेरा सिंडर भी छोटा होता है एंड हम लोग फाइनली इससे मैच जीत जाते हैं। अब बोलो ना फिर चाय में लात मारेगी जो भी ऑफ दैट में यहाँ पर। एंड इस बार मेरा बैटल होप से होने वाला था, तो भाई ये लौंडा निकलता है एंड अफकोर्स हम भी स्टेडियम में आ जाते हैं। एंड प्यार सा मेरा होप भाई साहब, होप दिखने में काफ़ी क्यूट है एंड ये लौंडा भाई साहब अपने सर पे दो बार मारता है, मेरे को काफ़ी हंसी आया था ये देख के, बट इन फ्यूचर में इसका मतलब भी पता चलने वाला है। भाई फिर इसका फर्स्ट पोकेमॉन आता है एंड मैं इसको एक ही शॉट के अंदर खलास कर देता हूँ। एंड फिर इसका भाई दूसरे पोकेमॉन के लिए मैं अपने ड्रैगन टाइप वाले को बुलाता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई अच्छा चॉइस नहीं था यहाँ पर, तो मैं इसको बुलाता बिकॉज ये मेरे टीम का सेकंड हाइस्ट पावरफुल पोकेमॉन है। एंड आफ्टर दैट उसके अटैक से मैं स्नॉल लेक्स को यहाँ से बहुत ईजी तरीके से बीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद उसका कौवा आता है जिसके हिसाब से मैं टॉक्सिसिटी को भेजता हूँ एंड टॉक्सिसिटी भाई अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है लेकिन दो शॉट के अंदर वो पोकेमॉन मरता है। एंड फिर पता नहीं इस पोकेमॉन को अपने टीम में क्यों रखता है, भाई मुझे पता ही नहीं भाई इस पोकेमॉन का काम क्या है, बट जो भी लास्ट में पाइडो बॉल के साथ इसे फिनिश आउट करता हूँ। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन ये रिलाबूम जिसके लिए मैं अपने पोकेमॉन को तुरंत ही डायनामिक्स करता बिकॉज मुझे पता है वो भी करने वाला था, तब उसके पहले हम ही कर देते हैं ना डायनामैक्स। एंड उसके बाद वो भी अपने पोकेमॉन को बुलाता है एंड कर देता है यहाँ से डायनामैक्स। एंड भाई रिलाबूम डायनामिक्स होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा था, बट जाइगेंटामैक्स होता तो और भी मस्त दिखता। अच्छा भी छोड़ो इन सब बातों को, यहाँ पर भाई हमने मैक्स प्लेयर के एक ही शॉट के अंदर उसके रिलाबूम को भाई लगा दिया था एक किनार पे, मतलब हाँ साइड में। एंड आफ्टर दैट फाइनली उसका पोकेमॉन हार जाता है एंड वो लौंडा भाई हारते हारते भी स्माइल करता है बिकॉज भाई वो उसको कभी हरा नहीं सकते होप को, भाई जितना तुम हराओगे ना भाई वो उतना ही आगे जाएगा। एंड फिर यहाँ पर लियोन हमारा स्वागत करता है एंड बोलता है अच्छा हुआ तुम लोग जीत गया। एंड एलेक्स को मतलब मुझे बोलता है कि हम लोग डिनर कर गएंगे यहाँ पर, प्रॉमिस करता है। एंड फिर यहाँ पर आने के बाद फाइनली हम लोग कुछ देर इंटरव्यू भी देते हैं अच्छा खासा,
आखिर जीतने वाला यार मैं चैंपियनशिप। एंड कुछ आवर्स बाद हमें पता चलता है कि लियोन यहाँ पर आया नहीं है, एंड होप बोलता है कि लियोन कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता है, तो अब कुछ ज़रूर प्रॉब्लम हुआ होगा। एंड फिर यहाँ पर पेयर्स बाद में आता है, एंड वो बोलता है कि उसने चैंपियन को देखा है मिस्टर रोज से, रोज चार में जाती है। एंड फिर हम लोग इससे हेल्प मांगते हैं, भाई हेल्प वेल्प कर दे। एंड बोलता चल भाई लास्ट में कर ही देते तेरी हेल्प, लेकिन हम सब एक साथ जाएंगे, मतलब मरनी एंड टीम यल सब एक साथ मलके ही जाएंगे ऊपर। एंड फिर मरनी भी यहाँ पर आ जाती है, एंड हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग वहाँ पर जाएंगे रोज चार पर। बट 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 यहाँ पर ओलियाना आती है, एंड बोलते रोज चार जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन है, एंड उसका की मैंने एक बंदे के हाथों दे रखा है जिसने ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, एंड या और तुम उससे तुम्हें की चुराना पड़ेगा, एंड फिर तुम वापस जा सकते हो। भाई जब ये बंदा भग जाता है वापस से छुपने, एंड फिर हम लोग भाई साहब इसको ढूंढने निकल पड़ते हैं, एंड होप भी अपना प्यार ढूंढने निकल पड़ता है। बट काम तो हमें ही करना था ना, सब मजे ही मार रहे थे। एंड फिर मैं काफ़ी देर तक ढूंढ रहा हूँ, एंड पूरा शहर लगभग मैंने छान मारा भाई, पूरा शहर तुम सोच नहीं सकते, इतना जगह में घुमाना भाई, इतनी देर तक घुमा। एंड लास्ट में ये बंदा मेरे को ये सामने मिल गया भाई, यहाँ पर सामने वो खड़ा हुआ था। अरे फिर मैं इसको बुलाता नहीं, मुड़ता नहीं पीछे, तो मैं बोलता ओलियाना यहाँ पर है, एंड फिर भाई बंदा मुड़ जाता पीछे। एंड आफ्टर दैट मैं इसको भाई सब कूट देता हूँ, पीछे मरने भी चेयर कर देती भाई अपने टीम रियल के साथ, ये ठीक है। एंड फिर लौंडा फिर से भाग जाता है भाई इसको हराने के बाद। एंड फिर मुझे यहाँ पर वापस ये दिखता है लोगों के साथ बातें कर रहे थे, हाँ दो लोग बात कर रहे थे, उनको परेशान कर रहा है लौंडा, बहुत बदतमीज हो गया है। एंड फिर इसको मैंने फिर से आ रहा है, एंड फिर से ये लौंडा निकल पड़ा, अजीब गरीब है ना। एंड आफ्टर देखो लास्ट टाइम ये कहाँ पर छुपा है भाई, इतना अंदर कौन छुपता है। बट इस बार भी मैंने इसको कुत्ते की मौत मारा, एंड फाइनली भाई उसके बाद ये बंदा यहाँ से निकल पड़ा, एंड फाइनली अभी ये जाने वाला था। एंड हाँ इसको टीम हेल ने पकड़ने के लिए भेज दिया इस लौंडे ने टीम हेल को इसके पीछे। एंड फिर लौंडा यहाँ पर आके भाई गार्ड बन गए लोग, एंड हम लोग भाई ऊपर कैसे जाते हैं, बिकॉज इसी ट्रेन से हमें ऊपर जाना था, मतलब रोज टाउन में जाना था। एंड हम लोग सोचते हैं यार क्या ही होगा, लेकिन ये लौंडा बोलता है मेरे पर छोड़ दो यार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एंड उसके बाद ये भाई कहाँ से बताने अपना माइक निकालता है, गाना शुरू कर देता है, जिसके खातिर भाई सब यहाँ पर कोहराम सा ही मच जाता है, हर लोग भाई इसको देखते हैं, मतलब अटेंशन पूरा इसने ग्रैब कर लेता सबका। एंड फाइनली यहाँ पर सब लोग देखने के बाद फाइनली यहाँ पर भाई सिक्स सेकंड में नाच रहे थे इसके गाने से। एंड फिर सब लोग दौड़ के नीचे आ जाते हैं, एंड उसके बाद भाई मरनी सोचे हो क्या गया है। एंड फाइनली हम लोग का रास्ता खुल चुका था यहाँ से, एंड हम लोग ऊपर जा सकते थे। जाने के बाद तुरंत हम रेल से आ गए रोज चार के नीचे। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं और वो होप निकल पड़े भाई रोज चार के लिए, होप नीचे लगा क्या, बट कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यार नीचे रोज कितने अच्छे खासे भाई। एंड उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ही एक गार्ड यहाँ पर आके हमें रोक लेता है, एंड आफ्टर ओलियाना बोलते हैं कि यार यहाँ पर सब लोग रोक लो एलेक्स एंड होप, पता नहीं यहाँ पर कुछ नोटिंगी करना है। एंड फिर इसको हराने के बाद ये बंदा बोलता है हम तुम लोग ऊपर जा सकते हो, बट इतने ईजिली कैसे यार, मुझे पता ही था ये कुछ चाल है। एंड देख रहे हो लिफ्ट खुल चुकी है, बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, मतलब हाँ ऊपर वाले सबसे मेन फ्लोर पे नहीं जाने वाले थे, इन लोगों ने हमारे साथ गेम खेला था। देखो यहाँ पर आते हैं दो बंदे, जब लोग हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, दो बंदे आने के बाद ये लोग बोलते हैं हमें हराना पड़ेगा, भाई मैं कुत्तों के माथे हराता हूँ। एंड फिर हम और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद भी हम लोग नहीं पहुँचते भाई ऊपर, ये लोग साइड से और दो बंदे आते हैं, मतलब हाँ करो बवासीर वाला काम करो हम भी तुम्हें मानेंगे। एंड उसके बाद और ऊपर जाते हैं जहाँ पर और दो बंदे भाई साहब हमारे वेट कर रहे होते हैं, बवासीर लौंडे। मैंने भी कोई बात नहीं, हम भी भाई पीछे काटने वाले थे, हमने भी इनको भाई कूट डाला अच्छी तरीके से। एंड ये सब खत्म होने के बाद फाइनली हम लोग अभी पहुंचने वाले थे लास्ट फ्लोर, मतलब हम सबसे टॉप फ्लोर में। एंड यहाँ पर आने के बाद भाई ये जगह इतना बड़ा था कि हम अपने पोकेमॉन को भी डायनामिक्स कर सकते हैं। एंड फिर ओलियाना हमें बोलती है हम तुम्हें रोकेंगे, मतलब मैं तुम्हें रोकूंगी, एंड मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं दूंगी चैंपियन एंड रोज को, जो कि इंपॉर्टेंट वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। भाई ये इतने डरावनी शक्ल बना दी ना इसने, एंड इसने हमने पोकेमॉन रिलीज किया जो कि ये आइस टाइप थे, एंड ऑफकोर्सली मेरा सिंडर भाई इनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। एंड मेरे सारे पोकेमॉन ने मिल के भाई इनको यहाँ से कूटा था, तो कि बहुत ज़्यादा मजा आता है। एंड फाइनली उसका लास्ट पोकेमॉन आता है, एंड उसका लास्ट पोकेमॉन को देख के मैं भी कर देता अपना पोकेमॉन को डायनामैक्स, एंड वो भी भाई सब काफ़ी चलने वाली थी, वो गुस्सा वो करती है एंड फिर कर देती है अपने पोकेमॉन को जिगंटामैक्स। एंड इसके ऊपर भाई ये प्लेन घर शिप ये कहाँ से आ गया भाई, कोई बताएगा, बट कोई बात नहीं। आफ्टर डेट हम लोग भी एक पीछे कार लेने वाले थे, हमने एक मैक्स एड किया इसके पोकेमॉन के लगा दी पूरी की पूरी एल। एंड या हारने के बाद ओलियाना ने भाई हमें आगे जाने का रास्ता दे दिया था फाइनली, एंड हम लोग आगे निकल चुके थे। एंड आगे निकलने के बाद यहाँ पर मुझे रोज़ दिखा एंड चैंपियन दिखा। मैं जब रोज़ चैंपियन को बोल रहा था कि यार कल के लिए तुम हमारे साथ आ जाओ, बिकॉज कल मैं बहुत ही बड़े मिशन करने वाला हूँ पूरे गालार के फ्यूचर के लिए। कुछ सालों बाद गालार के मतलब गालार का सारा सोल फ्यूल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। एंड फिर लियोन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कल चैंपियनशिप है। एंड इसका कुछ इविल प्लान था, पता है इस लौंडे का जो रोज होता है उसका इविल प्लान था, लेकिन लियोन नहीं समझ रहा था। लियोन समझ रहा है कि अच्छा काम कर रहा है,
लेकिन ये असल में बहुत ज़्यादा बुरा काम एक करने वाला था। एंड फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये लोग तुरंत ही बात बदल लेते हैं, भाई देखिए हमें देख के भाई सब बात ही बदल लेते हैं। एंड फिर लियोन बोलता है चल हम लोग जाके वहाँ पर मतलब डिनर कर लेते हैं। एंड उसके बाद ये बोलते हैं कि कल का मैच इतिहास सुनने पेजों में लिखा जाएगा। एंड फिर रोज बोलता है लिखा तो जाएगा लेकिन मैच जो कल करूँगा वो मतलब ये कुछ बहुत ही बुरा करने वाला था, बट हमें इससे क्या लेना देना, फिलहाल जब होगा तभी देखा जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, यहाँ पर रजिस्टर वापस से करने के बाद यहाँ पर सारे जिम लीडर्स इस बार थे। यार देखो सारे जिम लीडर्स की बैटल थी, हम भी खुद एक जिम लीडर नहीं थे भाई दिल बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आने के बाद चैंपियन लियोन मिलता है, जो बोलते हैं रोज के एब्सेंट में वो यहाँ पर मतलब इस यहाँ पर आया कास्टिंग करने या कुछ भी करने आया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हमारा हमें राइवल मिलता है मतलब अभी के लिए बैटल चैलेंजर जो कि है बेड। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया तेरा, बट कोई बात नहीं भाई, जब इसका फर्स्ट पोकन आता है एंड मैं वाइल चलो भाई इसको तो एक ही शॉट में बीट कर दूंगा। एंड मैं वाल को बीट करने के बाद गाड़ी वायर चलो डजलिंग गेम, बट कोई बात नहीं तुम भी वन शॉट ही जाओगे गाड़ी वायर। एंड फिर उसका थर्ड पोकेमॉन आता है एंड उसके लिए मैं ड्रेडनो को भेजता हूँ एंड उसका थर्ड पोकेमॉन ये वाला होता है। एंड मैं तुरंत कर देता हूँ अपने ड्रेडनो को डायनामैक्स वाई, बट कोई बात नहीं इसके इस पोकेमॉन को मैं समझता हूँ इसका लास्ट पोकेमॉन है, बट ये मेरी गलती थी भाई, तीन चार पोकेमॉन लेके कौन ही आएगा राइट। एंड फाइनली ये बंदे को मैं अटैक करता हूँ जो कि अटैक नहीं पड़ता है, फिर उसके बाद मैं पत्थर उठा के इसके सर पे पटक देता हूँ जिससे इसको पोकेमॉन मर जाता है फाइनली। हाँ एंड सैंड स्टॉर्म भी शुरू हो जाता है एंड उसका लास्ट पोकेमॉन यहाँ से आता है जिसको वो तुरंत उठा के कर देता है। यहाँ से जाइगेंटामैक्स भाई इसके पास सबके पास कैसे आ जाता है जाइगेंटामैक्स का सामान है, होप के पास नहीं है भाई, हम दोनों बेचारे हैं, बट कोई बात नहीं। आफ्टर हम फिर से पत्थर उठा करके सर पे पटकते हैं और एक शॉट में नहीं मरता है, मेरा डरनो चिपकू सा बन जाता है भाई साहब वापस से, बिकॉज तीन मूव खत्म हो चुके थे हमारे। एंड आफ्टर दैट हम क्या ही कर सकते थे, मैंने सोचा आर्थ क्विक करते हैं एंड आर्थ क्विक करना मेरी भाई गलती थी। वो फुल डिस्ट्रोर कर देता है अपने पोकेमॉन को, खमंडी साला फुल डिस्ट्रोर यूज कर रहा है। एंड आर्थ क्विक करने के बाद काफ़ी अच्छी डैमेज पड़ी एंड दूसरे आर्थ क्विक करने वो मरा नहीं, बट मेरा पोकेमॉन फेंट गया। अरे कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे सेंडर को लाते हैं, सेंडर को लाने के बाद इसके तीन मूव भी खत्म हो चुके थे एंड फिर हमने भाई सेंडर से इसको फाइनली यहाँ से बीट कर डाला। एंड बीट करने के बाद हम लोग यहाँ से जीत चुके थे बेट से। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट राइवल कौन था वो देखने के लिए मैं निकल पड़ा एंड नेक्स्ट यहाँ पर थी जिम लीडर निशा। तो भाई इसको तो हराना बनता है, इसके सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन है तो मैं टॉक्सिसिटी इसके आगे बहुत अच्छा काम कर सकता है, मैंने ये सोचा तो था। एंड फिर उसका फर्स्ट पोकेमॉन देख के मैं सोचा चलो ये तो बग एंड वाटर टाइप है जिसको मैं इजीली बीट कर सकता हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रिक बॉल मारा एंड इसकी पता नहीं कौन सी अजीब एबिलिटी ऑन हो गई जिसके खातिर ये स्विच हो गया तुरंत ही। एंड सोचा कि भाई ये वाला पोकेमॉन आता है जिसको मैं उठा के इलेक्ट्रिक बॉल मारता हूँ जिससे भाई एक शॉट में नहीं मरता एंड ये एक ड्रिल जॉन के अंदर मेरे टॉक्सिसिटी को एल लगा देता है, भाई सेंटर इसका लास्ट में बदला लेता तो है। एंड फिर इसका ये वाला पोकेमॉन आता है जिसको ऊपर जाता है एंड एक शॉट में ही बीट कर डालता है। एंड फाइनली उसके बाद लास्ट फाइनली उसका सीकिंग आता है जिसके लिए मैं अपने सिंडर को पहले तो यार थोड़ा बलिदान देता हूँ। एंड फाइनली आफ्टर सिंडर के साथ में से यहाँ से पाइरोबॉल अवॉइड ओके पाइरोबॉल अवॉइड कर देता है इसका पोकेमॉन सेंडर पे जाता है। एंड फिर लास्ट में टॉक्सिसिटी के साथ इसे खत्म करता हूँ एंड इसके पंछी आते ही रेन कर देता है बट इसको भी मैं फिनिश आउट करता हूँ। एंड लास्ट में इसका डेडनो आता है जिसको वो पकड़ के यार यहाँ से कर देते जाइगेंटामैक्स, वैसे इसके पास भी है जाइगेंटामैक्स वाओ, बस हमारे पास ही नहीं है यार, हम तो कह रहे हैं भाई बनने ही है मोड़ के जहाँ पर प्यार मिलेगा भाई सर लुटाएंगे, गलत बोल दिया आई थिंक बट कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने अपने पोकेमॉन को कर दिया डायनामैक्स और जाइगेंटामैक्स तो हमारे पास नहीं था, मैं कितनी बार बोलूँगा ये बात बट कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने इसको उठाए एंड इसका मैक्स डार्कनेस चुल्लू भर भी असर नहीं करता भाई मैक्स डार्कनेस, बट कोई बात नहीं हमारे पास था मैक्स लाइटनिंग एंड एक ही शॉट के अंदर भाई इसके डेडनो को फुल एल लगा दी। एंड आफ्टर दैट इसके डेडनो वापस से मैक्स डार्कनेस करता है बट मैं इसके नीचे से भाई साहब यहाँ से निकालता हूँ अच्छी तरीके से पॉइजन एंड इसको ऐसे फाइनली फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड उसके बाद अपना पोकेमॉन के छुटकू हो जाता है एंड छुटकू होने के बाद फाइनली हमने डिफीट कर दिया जिम लीडर निशा को। एंड अभी भाई साहब ये एक सर्कल बैच चल रहा है, देखो तुम यहाँ पर अभी ये लोग जिम लीडर्स के बीच ही बैटल होने वाला था एंड जो भी भाई लास्ट तक जीत पाएगा वो लियोन को चैलेंज करने के लायक कहला पाएगा। तो उसके बाद आगे हमारी सेकेंड यहाँ पर राइवल यहाँ तुम बोल सकते हो अपोनेंट जिसको यहाँ से मैंने अपने पोकेमॉन निकाला घोष चाइप एंड इसके इस पोकेमॉन को धर डाला एक शॉट एंड दूसरी शॉट के अंदर फिनिश है लूचा। एंड फिर इसका सेकेंड पोकेमॉन आता है ये एंड अगली बार इसने हमको रुलाया था तो इस बार मैंने इसको चुपचाप एक शॉट में रुला डाला। एंड फिर उसका भाई तीसरा पोकेमॉन आता है ये वाला रियल गाड़ी जिसके अंदर मैं फेंकता तो हूँ शैडो बॉल एंड एक शॉट में मरता नहीं तो दूसरा भाई साहब अटैक मारना पड़ता है। एंड फिर उसका भाई साहब वो आता है ग्रैप्सलोर जिसके लिए मैं भेजता हूँ भाई अपने अच्छे खासे पोकेमॉन को, लेकिन एक्चुअली भाई मतलब देख रहे हो ये गोलर क्या कर रहा है, जाकर पीठ पीछे वार कर रहा है फैंटम फोर्स से भाई नीचे घुस रहा है एंड पीठ पीछे आकर फटाक से मार रहा है भाई, ये चीज़ मस्ती गोलर के है। एंड जो भी वो आफ्टर दैट गोलर अपना लास्ट अटैक करता है नाइट चैलेंज के साथ इसको फिनिश आउट कर देता है। एंड फिर इसके साथ साथ मैं लास्ट भेजता हूँ अपने फिर से ड्रैग लूप्ट जो भी तेरा नाम है ड्रैग बुल्ट, हाँ नहीं इसको नहीं, चलो मैं अपने असुरा को भेजता हूँ असुरा
ठीक है, असुरा पोकेमॉन में इसको बुलाता हूँ एंड बिल्कुल असुर की तरह ही दिखता है। एंड लास्ट ऑफ द भाई मैं अपने पोकेमॉन को ऐसे बुला के कर देता हूँ अपने प्यार से पोकेमॉन को डायनामैक्स। एंड भाई ये कितना बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट जाइगेंटामैक्स से अच्छा नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं। उसके बाद वो भी अपने पोकेमॉन को भेजते हैं कर देते हैं जाइगेंटामैक्स। लिटरली भाई साहब ये पोकेमॉन जाइगेंटामैक्स होने के बाद दिखने में बिल्कुल भाई साहब क्या ही लगता है, मतलब पूरा खतरनाक। एंड आफ्टर एट में इसके ऊपर मैक्स स्टार फोर करता हूँ, इसका काफ़ी अच्छा खासा डैमेज हो जाता है इसके ऊपर। एंड ये मैं इसके ऊपर मैक्स क्लियर करता है मेरे ऊपर, भाई क्या ही कर लेगा तू। एंड फिर मैंने अपना दूसरा अटैक किया एंड इसको यहाँ से फिनिश आउट कर लिया फाइनली। एंड उसके बाद मेरा पोकेमॉन भी भाई चुटको हो जाता है, एंड चुटको होने के बाद फाइनली मैंने इसको यहाँ से डिफीट कर दिया था। एंड अभी यहाँ पर भाई साहब नेक्स्ट हमारे रिहान से बैटल होने वाला था, बिकॉज रिहान ने इन लोगों को हरा दिया था। एंड या रिहान भाई साहब खतरनाक जिम लीडर। एंड भाई इसके पोकेमॉन्स को हम ऑलरेडी हरा चुके थे, बट इस बार इसके पोकेमॉन और भी पावरफुल होने वाले थे। एंड इस बार 1v1 बैटल होने वाला था। इसने फर्स्ट पोकेमॉन टॉर्टकॉइल को निकाला तो मैं तुरंत भी अपने पोकेमॉन को ड्रेड नंबर स्विच कर दिया। एंड मैं ड्रेड नंबर एक के शॉट के अंदर इसको नहीं मार पाया। एंड उसके बदले इसने सोलर भी यूज़ कर दिया, जिसके खातिर मैं ड्रेड नो एल लग गया इसके। फिर लास्ट होती भाई साहब मेरा सेंडर आता है एंड एक रेवेंज अटैक के साथ इसे फिनिश करता है। एंड फिर इसका फ्लाई गन को भाई साहब मेरे ड्रैगन टाइप मूव से एक ही शॉट से फिनिश, मतलब दो ड्रैगन जरूरत ही नहीं पड़े। एंड आफ्टर उसका ये पोकेमॉन था जिसको भी हम लोग एक ड्रैगन मारते हैं एंड दूसरे ड्रैगन के अंदर बीट कर देते हैं। एंड आफ्टर इट आता है उसका ये पता नहीं आज पोकेमॉन जिसके ऊपर मैं ड्रैगन पल्स फेंकता हूँ, बट काम ज़्यादा नहीं करता है, ये बारिश ला जाती है। बट तुम मोर की तरह बारिश में नाचो, हम तुम्हें मार देंगे। एंड उसका लास्ट पोकेमॉन उसके बाद आता है एंड जिसके लिए मैं अपने पोकेमॉन को कर देता हूँ डायनामैक्स। एंड अपना सबसे पावरफुल मूव मैं यहाँ से यूज़ कर देता हूँ, जिसके बाद भाई हम आ पोकेबॉल में एंड एनर्जी ली हमने एंड इसको पोकेबॉल को फेंक दिया आसमान में और वो हो गया भाई सब बड़ा सा पहाड़ पोकेमॉन। हाँ वैसे इसका नाम पहाड़ पोकेमॉन बोल सकते हो तुम, पहाड़ जैसा बड़ा हो जाता है। एंड फिर रिहान भाई अपने पूरा पागल बन के स्टेज में आ चुका था, इतने बजे अपने पोकेमॉन को बुलाया एंड फेंक दिया आसमान के ऊपर एक सेल्फी लेने के बाद। एंड ये हो चुका था भाई साहब जाइगेंटामैक्स। भाई ये इतना बड़ा कैसे दिखता है यार जाइगेंटामैक्स होने के बाद, और अपने पोकेमॉन के पास जाइगेंटामैक्स हो पाते, बट कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैं एक अटैक करता हूँ, इसका पूरा आधा हिस्सा निकल जाता है। एंड अगली बार भाई साहब इसने मेरे पोकेमॉन को फिनिश आउट किया था तो बदला नहीं तो बनता ही है ना। एंड फिर पागल रिहान भाई अपना खतरनाक पोज देता है एंड बोलता है यार कर अपने खतरनाक जी मैक्स मूव को, जिसके बाद ज़्यादा असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर बिकॉज मेरा पोकेमॉन ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था भाई तेरे पोकेमॉन से। एंड फिर मैं और एक अटैक करता हूँ, उसके बाद उसका पोकेमॉन फिर जाता है हमसे टकरा कर चूर चूर हो जाओगे जहाँ से आओगे ना तुम वहीं चले जाओगे। और जब फाइनली अपडेट हम लोग रिहान से भी जीत जाते हैं। एंड अभी था भाई साहब अपना चैंपियनशिप मैच लियोन से। आई नो तुम सभी लोग एक्साइटमेंट में हो। एंड फिर यहाँ पर होप आता है एंड होप बोलता है मैं किसको वोट करूँ, एक बतर मेरा भाई है दिखते मैं राइबल। एंड फिर फाइनली डिसाइड करता है नहीं हम एलेक्स को वोट करेंगे, बिकॉज उसके साथ हमने स्टार्टिंग से जर्नी शुरू की थी एंड क्या ये मेरे को सपोर्ट करने वाला था फिलहाल। तो उसके बाद ये स्टेडियम में निकलता है एंड हम भी तुरंत ही स्टेडियम में बैटल करने के लिए निकल पड़ते हैं। भाई देखिए यहाँ पर भाई लियोन हमारा इंतज़ार कर रहा था एंड भाई हवाएं वाए चल रही थी मस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से। एंड या तुम देख सकते हो लियोन है बोलता है या तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो, तुम काफ़ी अच्छे ट्रेनर हो, मैंने तुम्हें फर्स्ट पोकेमॉन दिया था बट अभी तुम मेरे से ही चैलेंज कर रहे हो, काफ़ी बड़ी बात है। एंड फिर हम लोग ऐसे बैटल करने के लिए रेडी हो ही रहते हैं कि अचानक ओडियन बोलते हैं यहाँ पर देखो। एंड यहाँ पर मिस्टर रोज था जो कि बोलते एलेक्स एंड लियोन सॉरी बट मैं अभी गलार के एनर्जी को मतलब हाँ डार्केस्ट जगह अनलॉक करने वाला हूँ, जिसके लिए गलार के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसने काफ़ी सारी एक सीरम कुछ रेडी कर दी थी एंड विशिंग स्टार्स एंड इसको यहाँ से वो रिलीज़ करता है, जिसके बाद भाई साहब यहाँ पर देखो हर जगह से डायनेमिक एनर्जी स्पॉट हो रही थी, मतलब हर जिम से डायनेमिक एनर्जी स्पॉट हो रही थी एंड जो कि भाई साहब बहुत बुरी बात है। एंड फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि होप बुलाता है एंड एलेक्स एंड लियोन। एंड यहाँ पर पता चलता है कि होप बोलता है हर जगह पर डायनेमिक एनर्जी स्पॉट हो रही है एंड शायद से ये उससे स्टेडियम से हैमर क्लॉक के स्टेडियम पे ही सब कुछ इसने कांड किया है रोस ने, जो कि पहले ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एंड फिर लियोन निकल जाता है अपनी जिम्मेदारी निभाने एंड फिर मैं और होप सोचते भाई इसको रोकना पड़ेगा एंड हम इसको रोक सकते हैं। तुम्हें याद है एलेक्स हमने देखा था उस पोकेमॉन को डार्केस्ट देख वाले शॉर्ट एंड शील्ड पोकेमॉन को हमने देखा था उस फॉरेस्ट के अंदर जो कि हमारे घर के पास ही था। एंड फिर हम लोग डिसाइड करते कि हम वहाँ पर जाएंगे एंड उन दोनों पोकेमॉन को जगा के डार्केस्ट डे को एंड करने वाले थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर के पास जाएंगे एंड फिर हम तुरंत ही भाई यहाँ से निकल पड़े। एंड यहाँ पर आने के बाद ही हमें यहाँ पर देखते ऑलरेडी सोनिया यहाँ पर रिसर्च कर रही थी एंड इसका भी कुछ पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। ये बोले एलेक्स एंड होप क्या हो गया तुम्हारा तो फाइनल चैंपियनशिप मैच था ना, फिर मम्मी आके बोलते नहीं ये सब कुछ तबाह हो चुका है तो डार्केस्ट डे अनलॉक हो चुका है एंड अब फाइट फट चुकी थी सबकी। एंड फाइनली इस टाइम हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर जाएंगे एंड सुने बोलते यहाँ पर एंशियंट कुछ पोकेमॉन रहता है जो कि इसको स्टॉप कर सकते हैं। एंड फिर हम लोग डिसाइड करते हैं साथ में इसके अंदर जाएंगे एंड ये मेरे को 3 मैक्स रिवाइव देती है।
कोई जरूरत नहीं थी, इसके बाद फ्री का माल कौन लूटना मन करता है भाई। फिर हम इस बार चलते हैं, एंड मम्मी कैसे अच्छी बाई कर रही है, मौत के मतलब मौत के फंदे में जाओ तो मम्मी अच्छे से बाई कर रही थी हमें। मतलब कोई बात नहीं, फिर हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रैवल करते हैं भाई, सब बहुत देर थे, काफ़ी अच्छी बड़ी पोकम भी मिल रहे थे यहाँ पर, और सबको इग्नोर करते करते जब हम यहाँ पर फाइनली एंड पे पहुँच जाते हैं, मतलब हाँ होप इंतजार कर रहा था यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैं और होप बात कर रहे थे भाई, यहाँ पर कुछ मिल के नहीं रहा, फॉग बहुत घना हो चुका है। एंड फिर अचानक से हमारे साइड से भाई दो पोकर निकल के आते हैं, क्योंकि ये दोनों थे, एंड हम तो देख के भाई डर जाते हैं इनको। एंड फाइनली उसके बाद ही भाई ये लोग वापस से यहाँ से मिस्ट में कहीं खो जाते हैं। एंड फिर यहाँ पर भाई लोग सोनिया भी आती है, एंड हम उसको बोलते हैं यार तुमने देखा सोनिया, देखा तुमने? एंड लेकिन भाई वो लौंडिया बोलते हैं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, शायद से वो दोनों उनके घोस्ट होंगे शॉर्ट एंड चिल के, बिकॉज वो काफ़ी सालों पहले ही सो चुके हैं। एंड हम लोग सोचे चलो बाद में, दम तो है लौंडिया के, एंड क्या उनको पाने के लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, मतलब इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, जहाँ पर एक अलग सी जगह थी, तो हम यहाँ से बाहर निकल पड़े। एंड भाई साहब इसकी ग्राफिक देखो यार, चमकते हुए सितारे गिर रहे हैं, आसमान से नज़ारे गिर रहे हैं, और ये नज़ारा कितना मस्त था मतलब। यहाँ पर यही जगह पर यहाँ एक फ़ोटो में दिखाई गई थी जो रेस्टोरेंट के अंदर थी, तुम्हें याद होगा, दो किंग एंड क्वीन वहाँ पर थे। फाइनली यहाँ पर आने की बात, हम लोग सोचे यार यहाँ पर कुछ तो होगा खास, एंड यहाँ पर हम लोग तुरंत भाई आगे निकल पड़ते हैं। मैं होप एंड यहाँ पर हमें मिलती है एक शॉर्ड एंड एक शील्ड पड़ी हुई, मतलब यहाँ पर शॉर्ड एंड शील्ड जो थी ना वो बिल्कुल टूटी फूटी लगभग थी, एंड देख रहे शील्ड तो भाई पूरी टूटी पड़ी है। तो हमने यहाँ पर सोचा कि हम लोग एक इनमें से लेंगे, एंड फिर भाई साहब मैंने यहाँ से शॉर्ट डिसाइड किया, आई लाइक शॉर्ट, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट उठा लिया तुरंत ही। एंड शॉर्ट उठाने के बाद यहाँ पर अपना दोस्त भी आता है, मतलब होप, जो कि आके शील्ड को देख के बोलता है ये तो पूरा टूटा फूटा यार, पकड़ने से शायद से टूट जाएगा, बट कोई बात नहीं है, इसको अपने पास रख लेता है। एंड आफ्टर टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं हम जाकर लियोन की हेल्प करेंगे, बिकॉज अभी तो कुछ करने का था ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट आते थे हेमरक्लॉक सिटी में, टाउन जो भी है ये। एंड यहाँ पर आने के बाद लियोन मतलब सॉरी ये लौंडा आगे निकल जाता है, तो मैं भी आगे निकलता हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद ओलियाना मुझसे बोलती है हेल्प करो प्लीज़ हेल्प करो। एलेक्स बिल्कुल सब कुछ तबाह हो चुका है, बिकॉज इसके सारे पोकन बड़े हो चुके हैं, एंड स्टेडियम में इधर उधर घूम चुके हैं। बाय द वे जो भी हो, रिहान ने सब पोकन को मार गिराया, बट दूसरे पोकन के यहाँ पर डायनेमिक्स हो रहे थे, एंड पूरे गार रीजन के अंदर सारे पोकन ने डायनेमिक्स हो रहे थे। एंड फिर हमने सोचा कि यार रोज को तो स्टॉप करना ही पड़ेगा, बिकॉज ओलियाना भी बोल दिया रोज को जाके तुम रोको प्लीज़। एंड फिर हम निकल पड़े यहाँ पर नीचे वाले स्टेडियम नीचे वाले पावर प्लांट की ओर, एंड पावर प्लांट में आने के बाद फाइनली यहाँ पर हमें दिखता है रोज, भाई साहब कमीना लौंडा यहाँ पर खड़ा हुआ था, एंड ये बोलता है कि एलेक्स तुम आ गए, तुमने डार्केस्ट डे को अनलॉक किया है विथ विशिंग स्टार, मतलब भाई ये लौंडा बिल्कुल यार इटरनेटस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैन इटरनेटस के एनर्जी से, इसने पूरे के पूरे गालार को भाई इतना सारा एनर्जी प्रोवाइड करवाया कि हर एक पोकेमॉन ही डायनेमिक्स हो रहा था। एंड फिर मैं इस कमीनों को हराने आ गया, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ईविल लौंडा था जिसे पूरा गालार को तबाह कर देने वाला था। तो इसका फर्स्ट पोकन रिलीज होता है ये वाला, जिसको मैं चुपचाप बीट कर दो एक ही शॉट के अंदर, उसका सेकंड पोकन को भी एक ही शॉट के अंदर, थर्ड पोकन को भी एक ही शॉट के अंदर, फोर्थ पोकन को भी वन शॉट, एंड उसका लास्ट पोकन जो आता है जिसको भी हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं एंड कर देते हैं अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स। एंड या यहाँ पर भाई स्टेडियम इतना बड़ा था कि भाई डायनामैक्स भी कर सकते हैं। एंड फिर ये लौंडा भी भाई अपने पोकन को बुलाता है, एंड उठा के कर देता है अपने पोकन को जाइगेंटा मैक्स। एंड फिर क्या होता है यार अपन को मतलब इसको हराना था, एंड हमने उठाया अपना पैर एंड उठाया मैक्स फ्लेयर, एंड एक ही शॉट के अंदर ख़त्म कर दिया इसे, हमसे टकराव के चोर चोर हो जाएगा बेटे। एंड फाइनली उसके बाद ये लौंडा हार जाता है, एंड हारने के बाद भाई इसके मतलब वक्त वे बदल जाता है, मतलब बातें बदल जाती है। ये लौंडा ये बोलता है कि एलेक्स बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे हरा दिया, अब तुम जाके लियोन की मदद कर दो। एंड क्या इसने क्या किया था लास्ट में पता है तुम्हें? इसने इटरनेटस को जगाया तो था, बट एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाती है कि इटरनेटस को जगाने के बाद ये लौंडा से कंट्रोल नहीं कर पाया था, एंड इटरनेटस को उसने काफ़ी ज़्यादा विशिंग स्टार दी थी जिसके कारण सारे पोकेमॉन डायनामिक्स इधर से उधर हो रहे थे। एंड इटरनेटस वो पोकेमॉन है जो कि डायनामिक्स पोकेमॉन को कंट्रोल कर सकता है, तो भाई कितना ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। एंड मतलब चैंपियन लियोन आगे उससे लड़ रहा है इटरनेटस से, तो हमें उसकी हेल्प करने जाना है। हम तुरंत यहाँ से निकल पड़े, एंड होप से बात करने के बाद होप हमें ऊपर के फ्लोर पर ले गया, मतलब हम दोनों एक साथ ही ऊपर के फ्लोर पर आ गए। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें दिखता है लियोन जो इंटरनेटर से लड़ रहा था, एंड फिर हमें बोलता है यार तुम लोग को आने की जरूरत नहीं थी, मैं इंटरनेटर को अकेले ही संभाल लेता, चलो ये भी सही है। एंड ये फाइनली इंटरनेटर को कैच करने वाला था, एंड लौंडा देखो यार इंटरनेटर को कैच करने के लिए कौन सा पोकेबॉल यूज़ कर रहा है, मतलब भाई सब अल्ट्रा बॉल होता है तुम्हारे पास, लेकिन सिंपल पोकेबॉल से तुम्हें उसको कैच करना है। एंड फिर अचानक से भाई इसको देखते कुछ तो गड़बड़ है, एंड चाइल्ड हमें आकर प्रोटेक्ट करता है, एंड बेचारा लियोन के आगे ही ब्लास्ट हो जाता है, इसके पोके वाले टूट जाता है, लियोन को काफ़ी खतरनाक इंजरी आ जाती है भाई देवी यहाँ पर। एंड फिर इटरनेटस देख के हमें देखते हैं, हमसे बांटना शुरू करते हैं, भाई हमें क्या दुश्मनी थी, हमने तो कुछ किया भी नहीं था, और तुम्हें हमसे लड़ोगे तो भाई तुम्हें तो चूर चूर होना ही पड़ेगा। मेरा सिलेंडर आता है, एंड इसको एक पायर बॉल मारता है, तो एक के अंदर बीट हो जाएगा, बट भाई लौंडा पावरफुल था, सच में पावरफुल था।
एंड फिर कोई बात नहीं, मैं सिंडर का हारने मानने वाला था। इसने दो शॉट मारा, मरा नहीं, एंड फिर इसने पॉइजन का क्रॉस कुछ किया एंड फिर तीसरे शॉट के अंदर सिंडर ने इसे मार गिराया। एंड फाइनली आफ्टर रिटर्नेटर्स भाई हमारे सामने गिर पड़ता है, जिसको चैंपियन भी नहीं हारा पाया था, इसको हमने हरा दिया। एंड फाइनली उसके बाद बता दिया भाई इसके पिछवाड़े से रॉकेट निकलने शुरू हो जाते हैं यार, पता नहीं क्या खा गया भाई, आ जाया था पिछवाड़े से रॉकेट निकली इसकी। एंड फाइनली उसके बाद आसमान में एक गया एंड खाली विशिंग स्टार के पावर से भाई इसने पूरा दुनिया घुमाना शुरू कर दिया हमारे आसपास, देख लो। एंड ऊपर से भाई निकला इटर्नेटर्स का जाइगेंटमैक्स फॉर्म, ये कुछ बवासीर निकला भाई पूरे गेम में, मतलब पूरा गेम में यही सब बवासीर सीन पता नहीं कहाँ से आ गया हो। एंड फिर मैंने और हॉप ने डिसाइड किया कि हम दोनों इसको भाई हराएंगे, एंड इसके खातिर हमने अपने पोकेमोन को रिलीज किया। भाई देखिए तुम्हें पता नहीं तो इटर्नेटर्स एक ड्रैगन है, पोइजन टाइप पोकेमोन है, एंड इसके लिए मैंने सोचा भाई अपने पोकेमोन को बदलेंगे पहले। एंड फिर चुपचाप मैंने अपने पोकेमोन को बदला एंड फिर हॉप बोल रहा है भाई पता नहीं यार वो कुछ किसी कारण के लिए अटैक नहीं कर पाया, कोई मूव यूज़ नहीं कर पाया। फिर हमने ट्राई किया, हम सोचे कोई एक मूव करके देखते हैं, लेकिन भाई हमारे मूव भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे थे। फिर इसको याद है आपने शॉर्ट एंड शील्ड लिया था, हमने वो शॉर्ट एंड शील्ड को यहाँ से उठा डाला एंड उठाने के बाद फाइनली यहाँ पर आ जाते हम लोग। एंड यहाँ पर लिटिल पीछे के साइड में लिटिल ये दोनों पोकेमॉन सोए पड़े थे एंड यार यहाँ से ये लोग उठते हैं। एंड उठने के बाद तुम देख सकते हो पोकेमॉन शॉर्ट एंड शील्ड का भाई नॉर्मल फॉर्म है ये, एंड ये लोग भाई यहाँ से जंप करके निकलते हैं। इटर्नेटर्स भाई साहब उसके बाद हमें मारने वाला था कि भाई ये लोग इटर्नेटर्स के साइड से आते, देखो इनके साइड से भाई लोग फटाक से एंट्री मारते हैं। एंड यहाँ पर ये लोग आने के बाद अपना शॉर्ट एंड शील्ड जो थे ना यहाँ पर वो आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लू एंड रेड लाइट ब्लो करके। एंड फिर ये दोनों भाई साहब चमकते हुए सितारों के साथ एक साथ आते हैं एंड इन दोनों पोकेमॉन्स को पावर प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने ट्रू बैटल फॉर्म में इवॉल्व हो जाते हैं, जो कि लुकिंग में भाई साहब अपने आप में ही जहर था। तुम देख सकते हो जैसे ज़ामाज़ंटा जो कि भाई लुकिंग में ही कितने खतरनाक थे यहाँ पर, ओम फोक क्या ही खतरनाक है। एंड फाइनली उसके बाद हमारी बैटल इटर्नेटर से शुरू हो जाती है। भाई देखिए जो अपने जैसे ने ज़ामाज़ंटा थे ना वो काफ़ी कूल पोकेमॉन थे, एंड फिर इनको देख के मैंने अपना तुरंत से पोकेमॉन बदल दिया, बिकॉज आपको ड्रैगन टाइप पोकेमॉन से इनको बीट करना था। मैं ड्रैगन टाइप पोकेमॉन लाया एंड फिर जैसे भाई हाउल करके अपने पूरी टीम के अटैक बढ़ा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, पूरे की पूरी टीम के भाई अटैक बढ़ जाए तो भाई तुम सोच रहे हो कितनी पावरफुल बात है। एंड अपना जो मतलब ज़ामाज़ंटा था ना वो भाई यहाँ पर लाइट स्ट्रीम लगा के भाई पूरे टीम को प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब बहुत सही बात है भाई पूरा मतलब ये दोनों डिफेंस एंड अटैक टाइप पोकेमॉन ने प्रूव कर दिया। एंड फिर इटर्नेटर्स एक खतरनाक अटैक रिलीज करते हैं हमारे पोकेमॉन के अगेंस्ट, बट हम कहाँ रहने वाले थे भाई, हमने भी इसको भाई बहुत गंदे तरीके से डैमेज दिया, मतलब हमसे टकराओ कि भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे ऐसे ही जैसे। मेरा भाई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन कितना मस्त है, इटर्नेटर्स को भेज डाला उसने। एंड फिर आता है भाई अपना शॉर्ट पोकेमॉन जशियन, जो कि एक ही शॉट के अंदर काफ़ी अच्छा डैमेज देता है। फिर ज़ामाज़ंटा भी भाई सब अपने बैटल मोड का अनलॉक करके भाई एक खतरनाक डैश मारता है, जिसके खातिर भाई काफ़ी अच्छी खासी एचपी चली जाती है, बट बेचारा होप भाई साहब अपना कुछ नहीं कर पाता इस बीच। एंड फिर इटर्नेटर्स एक पावरफुल अटैक रिलीज करता है, होप भाई चुपकू सा डैमेज, मतलब पिद्दू सा भाई होप का तो डैमेज लग ही नहीं रहा था। एंड फिर हमने चुपचाप वापस से भाई इटर्नेटर्स को अपने ड्रैगन ड्रेड से फंसाया, एक शॉट दिया एंड दूसरे शॉट के अंदर काफ़ी अच्छी डैमेज पड़ गई। एंड फिर उसके बाद अपने भाई जैशियन का बारी था, जो कि इसका ब्लेड उठाया एंड ब्लेड से भाई इटर्नेटर्स की कार्ड डाली। एंड अभी बारी था वापस से अपने ज़ामाज़ंटा की, तो ज़ामाज़ंटा भाई बैटल फॉर्म में आके एक ही शॉट के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी स्पीड ले जाता है। एंड अफकोर्सली यहाँ पर ये अपने पोकेमॉन को फिनिश करता है, मतलब मेरे पास पोकेमॉन को, एंड फिर होप का चुटकू सा डैमेज। एंड फाइनली आफ्टर डेट में अपने सिंडर को निकालता हूँ, बट इसका कोई काम नहीं था, बिकॉज जशियन अभी सब कुछ संभाल लेने वाला था। एंड फाइनली जशियन अपने लास्ट हिट के साथ इसको यहाँ से फिनिश आउट कर देता है। एंड अभी बारी था इसको कैच करने की, भाई भी मैं इसको नॉर्मल पोकेबॉल से कैच कर सकता हूँ, बिकॉज जाइगेंटमैक्स पोकेमॉन इसको हराने के बाद किसी भी पोकेबॉल से तुम कैच कर सकते हो, बट ये लेजेंडरी पोकेमॉन है तो इसकी इज्जत रखने के लिए मैंने अल्ट्रा बॉल का यूज़ किया, बिकॉज भाई थोड़ी तो नाम एंड छोड़ता इज्जत रहनी चाहिए ना लेजेंडरी इसकी, लेजेंडरी के पोकेबॉल में कैच करने का भाई बेइज्जती हो जाएगी उनको। फिर चुपचाप मैंने इसको यहाँ पर अल्ट्रा बॉल पर कैच किया, वो लौंडा आ ही नहीं रहा था भाई, बट लास्ट में भाई बहुत इसे खींच लेता है, बोलता है भाई हमसे टकराओगे हम पोकेबॉल से यार, तब टक नहीं सकता हमारे सामने। एंड फाइनली जैसे जैसे ये लौंडा पोकेबॉल में आता है एंड ये फाइनली कैच हो जाता है, आहा फाई मजे ही मजे। एंड बाय द वे फिर क्या था यार, अपनी सारी डार्क एनर्जी यहाँ पर एंड हो जाती है, चारों तरफ यहाँ से अपने वो गिरना शुरू विशिंग स्टार गिरना शुरू हो जाता है। एंड फिर अपना जैसे ज़ामाज़ंटा निकल पड़ता है, जिसके बाद फाइनली सब कुछ यहाँ से एंड हो जाता है, डार्क डे एंड हमने इसको एंड किया था। एंड फिर हम लोग वापस से उसी सिटी में आते हैं जहाँ पर से पोकेमॉन लीग शुरू हुई थी, एंड तीन दिन बीत चुके थे। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि यार मिस्टर रोस ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है, एंड लौंडा भाई अभी अच्छा बन चुका है, बिल्कुल प्योर दिल से भी शरीर से भी शुद्ध लौंडा। एंड फिर फाइनली हम लोग अपने इटर्नेटर्स को लेते हैं अपने गोलर को हटा के टीम से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं निकल पड़ता हूँ चैंपियनशिप मैच के लिए, जहाँ पर सब लोग बोल रहे थे एलेक्स तुम कर सकते हो, तुम जीवन करा सकते हो, बीट कर देना उसे, काट डालना उस लौंडे को। भाई देखो फिर मैं आता हूँ लियोन से बैटल करने, एंड सब लोग भाई चेयर वेयर कर रहे थे यहाँ पर। एंड फाइनली लेजेंडरी लॉर्ड एलेक्स हीरो की एंट्री होती है, एंड वहाँ पर लियोन भी आ रहा था,
बट इसे क्या पता था आज मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। भाई देवी ये आके बोलते हैं, एलेक्स कल जो तुमने चीज़ की थी वो पूरे गाला लेजेंड को याद है, तुमने सबको यहाँ से बचाया था एंड तुमने भाई एक न्यू हिस्ट्री बनाई थी। एंड फिर उसने बोला कि तुमने एटेनस को अपने पार्टी में ऐड किया है। भाई तुम मुझे एक्साइटमेंट कर रहे हो। एंड एक्साइटेड करने के बाद फाइनली इसने अपने साथ बैटल शुरू कर दी। मतलब हाँ, पहले हमको पोजीशन तो लेना पड़ेगा ना अपना अपना। पोजीशन लेने के बाद अपना चैंपियन लियोन से अपनी बैटल शुरू करें। यहाँ पर देखो इसने भी अपने सर को थपथपाया बिल्कुल होप की तरह। मतलब भाई होप ने भाई इसको देखा देखिए, मतलब होप ने किया था। एंड फिर पता नहीं अपने पीछे वाले, पता नहीं सुपरमैन वाले उसको फेंकता है पट्टे को। एंड आफ्टर दैट हम लोग एक ही शॉट करते हैं इसके फर्स्ट पोकेमॉन को बीट कर देते हैं। चैंपियन का फर्स्ट पोकेमॉन वन शॉट, उसका चैंपियन का सेकंड पोकेमॉन भी यहाँ से वन शॉट। या चैंपियन का सेकंड पोकेमॉन के आपसे वन शॉट हो चुका था। एंड फिर चैंपियन का थर्ड पोकेमॉन के लिए मैंने अपने इस पोकेमॉन को भेजा असुरा तू जा। मैंने सोचा था हर पोकेमॉन को यूज़ करूँगा मैं। एंड फिर ये थंडर बोल्ट करता है मेरे पोकेमॉन के ऊपर जो कि बिल्कुल असरदार नहीं था भाई साहब। एंड फिर हम करते हैं ड्रेनिंग किस, मतलब हाँ पप्पी पप्पी, हाँ ये इसको पप्पी बुलाता हूँ मैं भाई देवी। एंड भाई साहब मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था यार। एंड फिर वापस से हम लोग वही चीज़ दोहराते हैं, ये थंडर बोल्ट करते हैं मैं पप्पी करता हूँ। एंड फिर उसके बाद लास्ट ऑफ द मैच होता है, प्ले थ्रो करते हैं मेरा पोकेमॉन भाई साहब इसके घर में घुस के मारने आ गया। मतलब घर पर घुस के जाके मारने वाला था, तो प्ले थ्रो में घर में घुस के मार दिया इसने। एंड आफ्टर दैट फाइनली मेरा ड्रेडनो आता है, उसका बात है मिस्टर मैन आता है। एंड मैं सुपर पावर ड्रेडनो के ऊपर करता हूँ जिसका काफ़ी अच्छा खासा अटैक होता है। एंड फिर ये फ्रीजी डे करता है ड्रेडनो के ऊपर। मतलब फिजिटर रेडनो पर इतना सुपर इफेक्टिव कैसे हो चुका है मेरे को पता नहीं, लॉजिक क्या निकाला इनने। बट कोई बात नहीं, आफ्टर एट में अर्थक्वेक कर दो इसके खाते रेडनो, मतलब ये पोकेमॉन मरता तो नहीं है बट अपना रेडनो प्यार से पिट जाता है बेचारा रेडनो। बट कोई बात नहीं, आफ्टर एट मेरा ये पोकेमॉन आता है असुरा एंड ये अपने पोकेमॉन को पूरा फुल रिवाइव कर देता है। एंड फिर मेरे को पता चलता है कि इसके अटैक के ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो मैं अपने पोकेमॉन सेंटर को बुलाता हूँ एंड एक ही शॉट के अंदर इसको फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड फाइनली उसके बाद उसके एंटी लियोन आता है, मैं भी भाई अपने टॉक्सिसिटी को निकालता हूँ बट टॉक्सिसिटी वन शॉट ही फिर जाता है। वापस एटेनेटस आता है एंड अपने डायनेमिक्स कैनन के साथ एक ही शॉट के अंदर इसको यहाँ से तबाह नहीं कर पाता बेचारा। एंड फाइनली जो भी दूसरे ड्रैगन पल्स के अंदर फिनिश आउट करता है इसे। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन चार्जर आता है एंड या इसको भाई सब ख़त्म करने के लिए कितने देर से इंतजार कर रहा था यार। बस इसका चार्जर भाई वो चार्जर जाइगेंटामैक्स हो सकता है। आहा मेरे लियोन, अब तो तेरा चार्जर फेंकने वाला है मेरे इंटरनेट के आगे भाई। 65 लेवल का चार्जर भाई, जो भी तबाही तो है ये। एंड फिर लियोन में अपना मैक्स रॉक फॉल करवाता है एंड ना इसकी वजह से हर तरह भाई कोहरा मचना तो शुरू हुआ था। मतलब क्या बोलते हैं सैंड स्टॉर्म, हाँ सैंड स्टॉर्म शुरू हो चुका था। फिर हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने उठाया डायनेमिक्स कैनन एंड फेंक दिया उसको मुंह पे। डायनेमिक्स कैनन भाई वो अटैक है जो कि डायनेमिक्स पोकेमॉन के ऊपर डबल अटैक, मतलब डबल 2x डैमेज करता है। बट कोई बात नहीं, आफ्टर दैट में एडेनेटस पीट जाता है एंड मैं लाता हूँ भाई अपने सिलेंडर को तुरंत ही यार डायनेमिक्स करके। मतलब अपन के पास भी डायनेमिक्स थी यार, तुम डायनेमिक्स हम डायनेमिक्स करेंगे क्या ही अंतर है उसमें, बस पोकेमॉन तो बड़े होते हैं ना, तुम्हारे पोकेमॉन का रूप चेंज होगा तो क्या हुआ भाई साहब। एंड फिर फाइनली भाई अपना वो आता है एंड उसका भाई एक मैच रॉक पर पड़ता है अपने प्यारे से पोकेमॉन के ऊपर। बट हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, हम करते हैं इसको फायर टाइप पोकेमॉन, मतलब तुम्हारे आग में तुमको जला देंगे भाई साहब। एंड फिर फाइनली उसका भाई वो सब कुछ खत्म हो जाता है मेरे आग से। एंड इस बार चार्जर पिच्ची बन चुका है, पिच्ची बनने के बाद तुम देखो चार्जर कितनी छुटको लग रहा है मेरे पोकेमॉन के सामने। मतलब मैं भाई मजाक उड़ा रहा था इस पोकेमॉन की, सेंटर इतना बड़ा करके देख रहा है छोटे मोटे चार्जर को भाई, बहुत बहुत हंसी आ रहा था। ऑडियंस भाई पूरा चुटचुल मचा रही थी बिकॉज लियोन हारने वाला था, सबको दिख रहा है मेरे पास 3 पोकेमॉन है, लियोन के पास बस एक ही चार्जर है। फाइनली आफ्टर इट में सोचा चलो भाई इस कोहराम को तोड़ते हैं। हमने भाई एक अटैक, एक क्या कर रहा है तू मेरे पोकेमॉन के ऊपर अटैक करेगा भाई। बट कोई बात नहीं, हमने मैक्स क्लियर किया इसका चार्जर फिनिश। एंड सीधा बात नो बकवास, हम लियोन को अभ्यास इस बार हरा चुके थे एंड या नाउ आई एम द काला चैंपियन। तो भाई सब लोग झुको मेरे सामने, झुको मतलब लाइक करो वीडियो को, मैं झुकूंगा भाई लाइक लेने के लिए। एंड फाइनली उसके बाद सब लोग मेरे को देख रहे थे एंड मैं बन चुका था यहाँ का गालार का न्यू चैंपियन। बाई द वे गाइस, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना एंड इसकी पार्ट 2 आ जाएगी भाई। सारे लेजेंडरी पोकेमॉन, हाँ इसके अंदर काफ़ी लेजेंडरी पोकेमॉन है, उसको हम कैच करेंगे पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम कुछ डायनेमिक पोकेमॉन की हंटिंग करेंगे, साथ ही साथ हम एक जाइगेंटा पोकेमैक्स पोकेमॉन को भी हासिल करेंगे, बाकी बहुत कुछ करेंगे इसके पार्ट 2 के अंदर। तुम लोग सब लोग देखते रहना, देख मतलब इंतजार करना पार्ट 2 की इसकी, ठीक है भाई। देखिए गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना भूलना। एंड फाइनली तुम्हारा भाई आकर चैंपियन बन चुका है, योर चैंपियन एलेक्स, सॉरी आवर चैंपियन एलेक्स, या आवर चैंपियन एलेक्स। एंड या चलो भाई साहब मैं चलता हूँ यहाँ से, मिलेंगे तुम सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो लेट्स बाय, मीट यू अगेन गाइस।